स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का थोड़ा सा आपका पहले आइडिया है। आज हमने थर्ड स्टेटमेंट स्टार्ट करनी है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, उसके बाद फिर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो एक अलग चीज है। नोट्स का भी कुछ ना कुछ आपको आइडिया हो गया है, ठीक है। अब ये स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी है, ये क्या है, ये कैसे बनती है, इसको डिटेल में डिस्कस करने से पहले जरा हमें कंपनीज के बारे में जरा लीगल रिक्वायरमेंट्स का भी आइडिया होना चाहिए। तो पहले जरा एक हेडिंग होना है, इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस इन द फॉर्म ऑफ कंपनी, जहाँ पे कंपोनेंट्स लिखे हैं उसके फॉर्म बाद हेडिंग है। नहीं, बुक पे लिखा हुआ है सब कुछ, मैं साथ साथ देखता, जहाँ जरूरत पड़ेगी वहां लिख देंगे। यहाँ से ऑनवर्ड अब सारी जो हमारी डिस्कशन है ये कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एंगल से है। तो इससे पहले क्या हम और आगे चले, कुछ लीगल रिक्वायरमेंट्स रिलेटेड टू कंपनीज एक्ट रिगार्डिंग द कंपनीज, ये आपको आइडिया होना चाहिए। सबसे पहले लिखा हुआ है कंपनी क्या होती है, पेन रखने आप मेरे, डेफिनेशन से लिखी हुई, एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस व्हिच इज रजिस्टर्ड अंडर। बिजनेस करने के असल में तीन तरीके हैं, एक ये है कि एक इंडिविजुअल बिजनेस शुरू कर दे सोल प्रोप्राइटर, दूसरा तरीका पार्टनरशिप बिजनेस हो जाए, और तीसरा ये है कि कुछ लोग मिलकर अगर अपने बिजनेस को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी वर्ड सुना, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज ऑफ कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक एब्रीविएशन भी होती है SECP, इट स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। तो अगर कोई एसोसिएशन ऑफ पर्सन, कुछ लोग मिलकर अपने बिजनेस को SECP में जाके, गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट का एक अदारा, उसमें जाकर रजिस्टर करना, रजिस्टर करवा लें, तो फिर वो एसोसिएशन ऑफ पर्सन कंपनी के तौर पर रजिस्टर हो जाती है। फिर वो कंपनीज की भी बहुत सी टाइप्स हैं, वो मैं कुछ साथ साथ बताता हूँ। पब्लिक कंपनीज भी होती हैं, प्राइवेट कंपनीज भी हैं, ऐसा ऐसा मेरे साथ लेंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज कंपनी, बोलने बोला जरा देखे बड़े, कहाँ जाकर रजिस्टर हो जाए कंपनीज एक्ट के अंडर, कहाँ जाकर रजिस्टर हो जाए, SECP इज एन अब्रीविएशन ऑफ सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, गवर्नमेंट की एक ऑर्गेनाइजेशन। देन दूसरी लाइन पढ़े, कंपनी के ओनर्स को फिर शेयर होल्डर्स कहते हैं क्योंकि उनके पास शेयर्स होते हैं। तो हु इज शेयर होल्डर, पर्सन हु ओन्स शेयर इन द कंपनी इज कॉल्ड एज शेयर होल्डर। अब शेयर क्या चीज है, शेयर किसे कहते हैं, शेयर हिस्सा। फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी का कंसंट्रेशन सुन रही है, किसी कंपनी का कैपिटल है 1 मिलियन शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, 1 मिलियन शेयर्स मैंने लिखा है ऑफ रुपीज 10 ईच मैंने लिखा है। अब 1 मिलियन मल्टीप्लाइड बाय 10 करें, ये 10 मिलियन रुपीज का कैपिटल हो जाएगा। तो 10 मिलियन रुपीज के असल में 1 मिलियन हिस्से हुए हैं। अगर हर हिस्से की वर्थ 10 रुपए है और 10 मिलियन का कैपिटल है, तो इस 10 मिलियन के कैपिटल के 1 मिलियन पार्ट्स बन गए। इसमें से अगर फॉर एग्जांपल किसी के पास 5 लाख शेयर हो तो वो 50% ओनर होता है, किसी के पास अगर 1 लाख शेयर है तो वो 10% शेयर होना। टोटल शेयर्स कितने हैं, 10 मिलियन या 10 लाख, 10 लाख शेयर्स में से अगर 1 लाख शेयर्स किसी के पास हो तो 10% हो गए। ये 10 मिलियन मैंने क्या लिखा है, ये रुपीज है ना, मल्टीप्लाई किया मैंने 1 मिलियन शेयर्स इनटू रुपीज 10 ईच, तो रुपीज 10 मिलियन बन गए। अब व्हाट इज दिस 10 मिलियन, हाँ ये कैपिटल है, लेकिन क्योंकि ये कैपिटल शेयर्स में डिवाइड हुआ हुआ, इसलिए कंपनी में सिर्फ वर्ड कैपिटल यूज नहीं होता, कंपनी में वर्ड हो जाता है शेयर कैपिटल। व्हाई शेयर कैपिटल, बिकॉज कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू शेयर्स, तो देयरफॉर कंपनी के कैपिटल को बोलते हैं शेयर कैपिटल। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, 10 मिलियन। व्हाट आर द नंबर ऑफ शेयर्स, 1 मिलियन। व्हाट इज द वैल्यू पर शेयर, जो मैंने इसको लिखे। अब ये 10 रुपीज क्या है, ये मैं खुद से डिटेल में डिस्कस करूंगा कि क्या हर कंपनी की 10 ही होती है, तो इसका एक सेकंड पीरियड ले लीजिएगा। 1 मिलियन शेयर्स मैंने रखे हैं, और अगर 10 रुपीज एक शेयर है फॉर एग्जाम्पल, तो शेयर कैपिटल की अमाउंट 10 मिलियन रुपीज हो गई। अगर 10 लाख शेयर्स में से, मींस 1 मिलियन शेयर्स में से किसी के पास 2 लाख शेयर्स हैं, तो वो 20% शेयर होल्डर। तो हु इज शेयर होल्डर, जिसके पास शेयर्स हो, तो क्योंकि उसके पास शेयर्स होते हैं इसलिए उसे शेयर होल्डर बोलते हैं, और जिसके पास जितने शेयर्स होंगे
वो उतने परसेंट कंपनी का ओनर होगा, तो ओनर्स ऑफ द कंपनी आर कॉल्ड एज शेयर होल्डर। वाई शेयर होल्डर? क्योंकि उनके पास शेयर है। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर सर अपने पास इसी पेज पे लिखते रहिएगा, ये यहाँ पे शेयर होल्डर पड़ा है तो उसके साथ फॉर एग्जाम्पल करके ये लिखो पहली दो लाइनों के साथ। ₹10 उसकी वैल्यू है। अगर ₹10 एक शेयर की वैल्यू है तो फिर ₹10 मिलियन शेयर कैपिटल। क्या हर कंपनी के शेयर्स 1 मिलियन ही होंगे? डिफरेंट हो रहा है। तो जिस कंपनी के जितने शेयर्स होंगे उस हिसाब से फिर देखेंगे कि उन टोटल शेयर्स में से किसके पास कितने शेयर्स हैं, अकॉर्डिंगली वो उतने परसेंट शेयर होल्डर हो जाए। ठीक है, बाकी अच्छा सा चल, मैं इंशाल्लाह फर्दर एक्सप्लेन करता हूँ। कंपनी के शेयर होल्डर्स कंपनी को अपने शेयर्स के अगेंस्ट पैसे देते हैं। हु आर शेयर होल्डर्स? कंपनी के ओनर्स जिनके पास शेयर्स हैं। तो कंपनी को जब शेयर होल्डर्स से पैसे मिलेंगे तो कंपनी उन पैसों की क्या एंट्री करेगी? उसी तरह जिस तरह ओनर बिजनेस में पैसे जब इन्वेस्ट करता है तो क्या एंट्री करते थे? कैश, डेबिट, कैपिटल, क्रेडिट। लेकिन आप जरा वर्ड थोड़े से चेंज हो गए, कैश, डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट। कैश, डेबिट, शेयर कैपिटल क्रेडिट, एक शेयर के बड़े साथ लग गए। देन एक वर्ड लिखा हुआ थर्ड वन, आगे पढ़े थर्ड, शेयर सर्टिफिकेट। अब शेयर सर्टिफिकेट मींस एविडेंस ऑफ ओनरशिप ऑफ द कंपनी। शेयर सर्टिफिकेट ना असल में एक पेज है, जिस तरह इंशाल्लाह कुछ अरसे बाद आपने, नहीं कुछ अरसे बाद इंशाल्लाह जब आपने सीए कर जाना तो थोड़ा सा अरसा इंशाल्लाह रहेगा, तो क्या एविडेंस होगा आपके पास कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट है? आई कैप से एक पेज आएगा, बस एक सफा, एक सर्टिफिकेट है, पेज पे लिखा हुआ है कि दिस पर्सन हैज अ क्वालिफाइड मेंबर, उसका ये नंबर है वगैरह, स्टैंप लगी हुई है आई कैप, तो दिस पेज इज एन एविडेंस दैट यू आर मेंबर ऑफ आई कैप। इसी तरह एक कंपनी, जिस कंपनी के पास शेयर होंगे आपके पास, उस कंपनी का एक पेज होगा, उस कंपनी पे लिखा, उस कंपनी ने उस पेज पे लिखा होगा कि आपके पास कितने शेयर्स हैं, उस पे कंपनी की स्टैंप लगी होगी, तो वो पेज इस चीज़ का एविडेंस होगा कि आप कंपनी के शेयर होल्डर हैं। वो पेज क्या कहलाएगा? शेयर सर्टिफिकेट। जिस तरह जो आई कैप सर्टिफिकेट मिलेगा वो क्या कहलाएगा? मेंबरशिप सर्टिफिकेट। तो इसी तरह आप कंपनी के शेयर होल्डर हैं, आपके पास क्या एविडेंस है? आपके पास एक पेज है, उस पेज का नाम क्या है? शेयर सर्टिफिकेट। ये कंपनी के लेटर हेड पे है, फॉर एग्जांपल अगर होंडा लिमिटेड कंपनी है तो उसके एक लेटर हेड पे ये लिखा होगा कि मिस्टर एक्स वाई जो भी पर्सन का नाम है, उसका जो एड्रेस है, उसके पास कितने शेयर है, फिर कंपनी की स्टैंप लगी हुई, साइन किए हुए, तो दिस पेज इज शेयर सर्टिफिकेट विच इज एन एविडेंस के जिसके पास ये शेयर सर्टिफिकेट है वो कंपनी का शेयर होल्डर। ठीक है, ये पहली तीन जो बातें मैंने की अभी आपके सामने, एक नजर खुद से पढ़ेंगे। बताइए आप किस चक्कर में पड़ गए? साथ साथ इंशाल्लाह और क्वेश्चन हम करते रहेंगे। फिलहाल डेफिनेटली आपका जो लेवल हुआ उस लेवल तक ये क्वेश्चन हो गए, बाकी इंशाल्लाह आप साथ साथ जैसे जैसे और टॉपिक्स आ जाएंगे साथ साथ करते रहेंगे। क्या इसके फौरन बाद आप अपने पेपर देना? अभी चीजें लिंक्ड है, जब हम और टॉपिक्स पढ़ेंगे बाकी अभी साथ साथ चीजें आती रहेंगी। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप साथ हैं प्लीज, बातें समझ आ रही? जी एनी कंफ्यूजन? देन बेटा उसके बाद नेक्स्ट लाइन लिखे, सॉरी नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं। शेयर सर्टिफिकेट के बाद नेक्स्ट लाइन में लिखा है शेयर होल्डर्स इलेक्ट डायरेक्टर्स टू मैनेज द अफेयर्स ऑफ द कंपनी ऑन शेयर होल्डर्स बिहाफ, ऑन देयर बिहाफ। अब देखिए कंपनी के जो ओनर्स हैं उनका नाम क्या है? शेयर होल्डर्स। लेकिन अगर कंपनीज बड़ी हो जाए, फिर मल्टीनेशनल कंपनीज भी होती हैं, तो शेयर होल्डर्स ग्लोबली भी पूरी दुनिया में भी फैले हो सकते हैं। तो सारे शेयर होल्डर्स खुद से आकर डेली बेसिस पे अपनी कंपनी के अफेयर्स को मैनेज नहीं कर सकते, इसलिए शेयर होल्डर्स क्या करते हैं, मीटिंग्स होती हैं शेयर होल्डर्स की। उन मीटिंग्स में शेयर होल्डर्स आके अपने में से कुछ लोगों को
डायरेक्टर्स का डेजिग्नेशन देकर इलेक्ट कर लेते हैं। वोटिंग होती है, जिसके पास जितने शेयर होल्डर शेयर होंगे अकॉर्डिंगली उसके पास उतने वोट होते हैं। तो शेयर होल्डर्स अपने वोट्स के जरिए कुछ पर्सन को अपने बिहाफ पे कंपनी के डायरेक्टर्स मीन्स मैनेजर्स अपॉइंट कर देते हैं। ठीक है, तो कौन किसको किसके मैनेज कर अपॉइंट कर देता? शेयर होल्डर डायरेक्टर्स को कंपनी के अफेयर चलाने के लिए अपॉइंट कर देते हैं। तो फिर शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे कंपनी चलाता कौन है? डायरेक्टर्स। लेकिन ओनर्स कौन होते हैं? शेयर होल्डर्स। उन्होंने डायरेक्टर को उसका अपॉइंट किया ताकि उनके बिहाफ पे शेयर होल्डर्स के बिहाफ पे कंपनी को चलाया जा सके। ठीक है, चलो आगे। देन उसके बाद एक लाइन मैंने पहले बात कर ली, कैपिटल ऑफ द कंपनी इज डिवाइडेड इनटू शेयर्स, देयरफॉर इट इज कॉल्ड एज शेयर कैपिटल। मतलब आज से ऑनवर्ड्स अब हम सिर्फ कैपिटल वर्ड नहीं बोला करेंगे, अगर कंपनी की बात होती तो शेयर कैपिटल वर्ड हमारे जहन में आना चाहिए। नेक्स्ट, अभी इस शेयर कैपिटल की थोड़ी सी और डिटेल में हम जाना है। हेडिंग मिलेगी आपको टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल, दो टाइप्स लिखी में, एक एक करके जरा समझ के पढ़ते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ ऑथराइज्ड कैपिटल, इसको इंग्लिश में सेंटेंस पढ़ना तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ। वर्ड क्या लिखा हुआ है टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल में? पहला वर्ड लिखा हुआ है ऑथराइज्ड कैपिटल, उसके आगे लिखा हुआ है मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट द कंपनी कैन इशू। बस अभी ब्रैकेट में ना जाइएगा। असल में अगर एक कंपनी ने रजिस्टर अपने आप को करवाना है तो कहां जाना है उसे? SECP, कंपनी ने अगर रजिस्टर होना है तो उसे SECP में जाके अपने आप को रजिस्टर करवाना है। अब कंपनी जब SECP में जाती है तो SECP वाले, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान वाले, सबसे पहले ये पूछते हैं कि आपका कितने शेयर्स इशू करके पैसे लेने का प्लान है। मींस कंपनी ने अगर बिजनेस अपना स्टार्ट करना तो उसे इनिशियली ये डिसाइड करना है कि हमने कितने शेयर्स इशू करके पैसे लेने हैं शेयर होल्डर्स से। तो वो जो प्लान नंबर ऑफ शेयर्स है जो कंपनी ने फ्यूचर में इशू करने हैं और उसके अगेंस्ट शेयर होल्डर से पैसे लेने हैं, उस प्लान नंबर ऑफ शेयर्स को बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। दोबारा वर्ड्स पढ़े क्या लिखा हुआ? नहीं, अब वर्ड आगे आगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट अ कंपनी कैन इशू। इशू कर दिए हैं या करने हैं, कर सकती है, ये किसको बताना होता है? SECP में रजिस्टर होने के लिए SECP वालों को बताना होता है। तो लेट्स अज्यूम एक कंपनी है, उसने डिसाइड किया कि 2 मिलियन शेयर्स ऑफ रुपीस 10 ईच वो इशू करेगी, देयरफॉर उसका शेयर कैपिटल कितना होगा? 20 मिलियन। 2 मिलियन शेयर्स है, रुपीस 10 ईच, तो 20 मिलियन। अगर ये शेयर्स इशू करने का प्लान है तो 2 मिलियन शेयर्स है, लेकिन मल्टीप्लाई बाय 10 करके जो 20 मिलियन रुपीस हैं, इसको बोलते हैं, नहीं इसको बोलेंगे ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल। वट आर ऑथराइज नंबर ऑफ शेयर्स? 2 मिलियन, उसको 10 से जब मल्टीप्लाई कर दिए तो ऑथराइज शेयर कैपिटल की अमाउंट आ। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम फॉर अ सेक ऑफ डिस्कशन कि कंपनी ने रजिस्टर होना, और मैं अज्यूम ये कर रहा हूँ कि उस कंपनी का सपोज ये प्लान है कि 2 मिलियन शेयर्स इशू करके उसने शेयर होल्डर से पैसे लेने हैं। क्या इशू कर दिए हैं? ये प्लान है, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर द कंपनी कैन इशू। अब इसकी ब्रैकेट पढ़े तो इस लाइन में लिखी हुई एंट्री किस चीज की होगी? जो शेयर इशू होंगे या जो इशू करने होंगे? जो एक्चुअली शेयर इशू होंगे, एंट्री तो उसकी होगी। तो ये सिर्फ कंपनी को रजिस्टर होने के लिए SECP में इन्फॉर्म करना होता है, तो इसकी डबल एंट्री कोई नहीं है। इसमें से जितने शेयर्स कंपनी इशू करेगी फिर उसकी एंट्री होगी। लेट्स अज्यूम इनिशियली प्लान तो ये है कि 2 मिलियन शेयर्स इशू करेंगे, लेकिन वक्ती तौर पे एज अ स्टार्ट कंपनी का ख्याल ये है, कंपनी के मैनेजमेंट का ख्याल ये है कि अगर 12 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच इशू कर दिए जाए तो फिलहाल ये पैसे काफी हैं। तो वो जो 12 लाख इशू करेंगे उसे फिर क्या बोलेंगे? इशूड शेयर कैपिटल। लेकिन अगर 20 लाख में से 12 लाख इशू हो जाए तो अभी भी फर्दर कितने इशू हो सकते हैं? 8 लाख बाद में और इशू हो सकते हैं। अब लेट्स सी फ्यूचर में कभी जाके 8 लाख शेयर्स और इशू हो गए तो अब इशूड शेयर कैपिटल किसके बराबर हो जाएगा? ऑथराइज शेयर कैपिटल के। लेकिन सपोज कुछ अरसे बाद अब कंपनी को दोबारा जरूरत पड़ी है कि हम फर्दर शेयर इशू करके शेयर होल्डर से पैसे लें, हम बिजनेस और एक्सपेंड कर लें, तब अगर इशूड शेयर कैपिटल ऑथराइज शेयर कैपिटल के इक्वल हो गया तब फर्दर शेयर इशू करने से पहले इस कंपनी को दोबारा SECP जाना होगा,
और अपनी ऑथराइज शेयर कैपिटल की लिमिट को इंक्रीज करवाना होगा, और फिर इंक्रीज लिमिट अगर हो जाएगी फिर कंपनी फर्दर इशू शेयर कर सकती है. इन अदर वर्ड्स किसी भी स्टेज पे इशूड शेयर कैपिटल कैन नॉट बी मोर देन द ऑथराइज शेयर कैपिटल. लेकिन क्या ये उससे कम हो सकता है? इशूड इशूड कम तो हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम कितना हो सकता है? ऑथराइज के. और अगर उसके बाद भी कंपनी फर्दर शेयर इशू करना चाह रही है तो उससे पहले ऑथराइज शेयर कैपिटल की लिमिट जो है एसईसीबी में जाके बढ़ानी पड़ेगी. तो एंट्री बैरल किस चीज की होगी? इशूड की या ऑथराइज की? ऑथराइज के दोबारा वर्ड्स पढ़े जरा के. मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स दैट अ कंपनी कैन इशू, इसकी डबल एंट्री. कोई नहीं, नेक्स्ट लाइन पढ़ना फिर और एक्सप्लेन करता हूं. नेक्स्ट लिखा हुआ इशूड कैपिटल और उसके साथ एक पेड अप भी लिखा हुआ है. इशूड का मतलब है जो शेयर कंपनी ने इशू की है, और पेड अप का मतलब है उसके अगेंस्ट शेयर होल्डर ने पैसे दे दिए. तो पाकिस्तान में कुछ लीगल फॉर्मेलिटीज साथ साथ बताऊंगा. पाकिस्तान में जितने शेयर्स इशू होते हैं, जितनी प्राइस पे इशू होते हैं, ये रिक्वायर्ड है कि शेयर होल्डर्स उतने ही पैसे साथ ही पे कर दें. तो इसलिए पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट में इशूड कैपिटल और पेड अप कैपिटल एक ही चीज होती है. लेकिन ग्लोबली कभी अगर जाके आगे डिस्कस करेंगे हम, तो ग्लोबली दुनिया के डिफरेंट मुल्कों में समटाइम पार्टली पेड शेयर्स भी अलाउड होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये डिस्टिंक्शन कोई नहीं है. इसकी इशूड शेयर कैपिटल और पेड अप शेयर कैपिटल एक ही चीज है. मतलब इसका क्या है? कंपनी ने शेयर इशू किए और उसके अगेंस्ट किसने पैसे दे दिए? शेयर होल्डर्स ने कंपनी को पैसे दे दिए. उसका मीनिंग क्या बनेगा? एक सेंटेंस पढ़ो. एक्चुअल नंबर ऑफ शेयर्स इन इशू एट एनी पॉइंट इन टाइम. वर्ड्स का डिफरेंस समझ आ गए. ऑथराइज क्या था? जो मैक्सिमम इशू किए जा सकते हैं. और इशूड क्या है? जो एक्चुअली शेयर इशू हो गए हैं. फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन मैंने अज्यूम किया था कि 20 मिलियन का शेयर कैपिटल है, तो लेट्स अज्यूम अगर इसमें से 12 लाख शेयर्स ऑफ रुपीस 10 ईच इशू कर दिए जाएं, तो 12 लाख इंटू 10, 12 मिलियन रुपीस का नाम फिर क्या बन जाएगा? बोलना बोलना बोलना. इशूड शेयर कैपिटल. और इसी के लिए दूसरा भी नॉर्म क्या यूज किया जा सकता है? इशूड या पेड अप शेयर कैपिटल. बात अंडरस्टैंडेबल है? लेकिन डेफिनेटली मेरी इस एग्जाम्पल के बेस पे अभी फर्दर और कितने इशू किए जा सकते हैं? 8 लाख इशू किए जा सकते हैं. अब ये कब इशू करने होते हैं वो तो डेफिनेटली मैनेजमेंट का अपना डिसीजन है. लेकिन अगर फर्दर बिजनेस एक्सपेंड करना है तो और मशीनरी लेनी है, और बिल्डिंग की जरूरत पड़ गई है, बिजनेस की एक्सपेंशन के लिए और पैसे चाहिए, बैंकों से लोन भी लिए जा सकते हैं, फर्दर शेयर होल्डर्स को इशू करके भी पैसे लिए जा सकते हैं. लेकिन बहरहाल यहाँ तक जो बात हुई है, इशूड शेयर कैपिटल कैन नॉट बी मोर देन द ऑथराइज शेयर कैपिटल, बट इट कैन बी इक्वल. अगर जितने इशू कर सकते थे हम वो सारे इशू कर दिए, तो ऑथराइज शेयर कैपिटल और इशूड कैपिटल बराबर हो सकता है. फर्दर शेयर अगर इशू करने तो आपको फिर पहले ऑथराइज शेयर कैपिटल की लिमिट इंक्रीज करवानी पड़ेगी. क्लियर है वर्ड्स में? जी किसी बात में कोई कंफ्यूजन? जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर है? Any confusion do you think? चलिए आगे. सर पेज 59 सर. देन जहां बेटा इशूड कैपिटल की हेडिंग थी उसके फौरन बाद अगली लाइन में आएगा. एवरी शेयर हैज अ रजिस्टर्ड प्राइस. ये मैं बार बार अभी आपके सामने 10 रुपए लिख रहा था. 10 each जो मैं देख रहा था इसको जरा डिस्कस करना. मैंने आपसे और से सुंदरी के बाद एवरी शेयर हैज अ रजिस्टर्ड प्राइस. पाकिस्तान में हर शेयर के रजिस्टर्ड प्राइस है, जिसे 3 तरीके से बोला जाता है. बट जरा अंडरलाइन कर ढूंढ के. फेस वैल्यू भी कहा जाता है, नॉमिनल वैल्यू भी कहा जाता है, या पार वैल्यू भी कहा जाता है. ये जो रजिस्टर्ड प्राइस है इसको 3 तरह से बोला जा सकता है. फेस वैल्यू, पार वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू. ये किस चीज का नाम है? ये रजिस्टर्ड प्राइस का. और पाकिस्तान में नॉर्मली आम हालात में हर शेयर की एक रजिस्टर्ड प्राइस 10 रुपए. मींस पाकिस्तान में कंपनीज के शेयर की एक रजिस्टर्ड प्राइस 10 रुपए. ये 10 रुपए क्या कहलाता है?
फेस वैल्यू भी कहा जा सकता है इसे, नॉमिनल वैल्यू भी कहा जा सकता है, और पार वैल्यू भी, डिफरेंट सर्कमस्टांसेस में सब में डिफरेंट तरीके से बोल दिया जाता है। लेकिन रजिस्टर्ड प्राइस ऑफ रुपीज 10 ही जो पाकिस्तान में नॉर्मली शेयर की है, उसको क्या क्या नाम दिया जा सकता है, एक दफा बोलना जरा। फेस वैल्यू, नॉमिनल वैल्यू या पार वैल्यू। मसलन अगर मैं कभी आपके सामने कहूँ फेस वैल्यू या पार वैल्यू या नॉमिनल वैल्यू, तो मैं एक ही चीज की बात कर रहा हूँ, और बाय डिफॉल्ट हर शेयर की रजिस्टर्ड प्राइस 10 रुपए नॉर्मली पाकिस्तान में होती है। जी जी एक मिनट, प्लीज गिव मी अ चांस, गिव मी अ चांस। अब माशाल्लाह कल आपने बताया इन्वेस्टर टाइप आदमी, लेकिन एक मिनट। अब क्वेश्चन मेरा, इससे पहले कि आप मेरी तरफ एक क्वेश्चन भेजें, मैं मेरे ही सवाल आपसे, आप फॉर एग्जांपल एक नई कंपनी आपने रजिस्टर करवाई है और आप अपनी कंपनी के शेयर्स इश्यू करना चाहते हैं, तो बताएं आप 10 रुपए पे इशू करेंगे, 10 से ज्यादा पे करेंगे, 10 से कम पे करेंगे, बल्कि इसको भी छोड़ दें, आप किस प्राइस पे शेयर इशू करेंगे? नहीं, आप मार्केट प्राइस पे इशू करेंगे। आप ये देखेंगे कि आपका जो शेयर है लोग कितने पे खरीद लेंगे, तो लोग किस वैल्यू पे आपका शेयर खरीदने में इंटरेस्टेड होंगे, जो उसकी मार्केट वैल्यू है। तो क्या मार्केट वैल्यू कैन बी मोर देन द पार वैल्यू? मार्केट वैल्यू कैन बी मोर देन द, अगर फॉर एग्जांपल कोई कंपनी रजिस्टर्ड हुई है और ऑलरेडी जिन लोगों ने वो कंपनी रजिस्टर की है वो पहले से बिजनेस कर रहे थे और उनकी मार्केट में ऑलरेडी रिपीट है, लोगों को पता है कि इस कंपनी को इन्होंने अच्छा एस्टेब्लिश कर लेना है और देयरफॉर इसके अच्छे प्रॉफिट्स आ जाएंगे, तो हो सकता है वो 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए का भी शेयर खरीदने में इंटरेस्टेड हो जाए। हो सकता है कभी एक कंपनी जिन लोगों ने रजिस्टर करवाई उनका पहले मार्केट में कोई खास नाम ना हो, देयरफॉर अभी कम लोग रिलक्टेंट हो, तो शायद वो 10 रुपए भी देने में इंटरेस्टेड ना हो, और ये भी हो सकता है कि एग्जैक्टली 10 रुपए के बराबर ही मार्केट वैल्यू। तो मार्केट वैल्यू कैन बी मोर देन द फेस वैल्यू, मार्केट वैल्यू कैन बी इक्वल टू द पार वैल्यू, एंड मार्केट वैल्यू कैन बी लेस देन द नॉमिनल वैल्यू। ये क्या बोली जा रहा हूँ, तो इन अदर वर्ड्स 10 रुपए से ज्यादा भी हो सकती है मार्केट वैल्यू, कम भी हो सकती है, और इक्वल भी हो सकती है। तो तीन सर्कमस्टांसेस बन जाएंगे, तीन पॉसिबिलिटीज, मार्केट वैल्यू कैन बी मोर, लेस और इक्वल टू द फेस, नॉमिनल और पार वैल्यू। ठीक है, तो शेयर जरूरी नहीं कि रजिस्टर्ड प्राइस पे इशू किए जाए, शेयर मार्केट प्राइस पे इशू किए जाएंगे, वो फिर मार्केट प्राइस में भी डिफरेंट फ्रॉम द रजिस्टर्ड प्राइस। रजिस्टर्ड प्राइस किस लिए होती है, ये मतलब अभी थोड़ा सा मुझे और टाइम देना, मैं फर्दर एक्सप्लेन करूंगा, वो डिविडेंड्स की कैलकुलेशन के लिए होती है, वरना शेयर किस अमाउंट पे इशू किए जाएंगे जो मार्केट वैल्यू है, मार्केट वैल्यू विच कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द 10 रुपीज रजिस्टर्ड प्राइस विच इज फेस वैल्यू, पार वैल्यू या मार्केट वैल्यू, विच कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द मार्केट वैल्यू, कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द फेस, पार और नॉमिनल वैल्यू। लेट मी कंप्लीट, एक सेकंड मैं पेज पूरा कर दूं, मेरा पेज सारी बातें आपके सामने आ जाएंगी। इसी के नीचे अगर आप देखना, तीन सिनेरियो बने हुए, तो जरा उनकी हेडिंग्स पहले ढूंढने जरा। तीन सिनेरियो बने हुए, इश्यू ऑफ शेयर एट नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू, पार वैल्यू, आई होप कि ये बात ध्यान में रख सकते हैं आप। अब इस फर्स्ट सिचुएशन में मैं क्या ज़ूम करूंगा कि 10 रुपए वाला शेयर 10 पे इशू हुआ, बाकी एंट्रीज वगैरह भी हमने करनी, वो छोड़ दें नीचे, लेकिन सेकंड हेडिंग ढूंढना जरा, इश्यू ऑफ शेयर एट अ प्रीमियम। प्रीमियम वर्ड तब होता है अगर फॉर एग्जाम्पल 10 रुपए वाला शेयर 25 रुपए का बिका है, 10 रुपए वाला शेयर 25 रुपए का मार्केट में बिक रहा है, तो नॉमिनल वैल्यू से जितना ज्यादा पैसे हैं, 25 रुपए प्रीमियम है या 15 रुपए प्रीमियम है, जितना नॉमिनल वैल्यू से अबव अमाउंट है वो प्रीमियम कहलाती है। और अगर किसी वजह से कंपनी की रिप्यूट अच्छी नहीं थी, शुरू में भी लोग अनसर्टन थे, किसी वजह से अगर नॉमिनल वैल्यू से शेयर्स कम पे इशू हो जाए, तो थर्ड सिनेरियो पड़ रहा, इश्यू ऑफ शेयर्स एट अ डिस्काउंट भी हो सकता है। डिस्काउंट वर्ड कब होगा, प्रीमियम वर्ड कब होगा? अगर 10 वाला शेयर 10 पे इशू हुआ है तो ना प्रीमियम है ना डिस्काउंट है। अगर 10 वाला शेयर 50 रुपए पे इशू हुआ है तो प्रीमियम कितना है? 40 रुपए प्रीमियम। और अगर 10 वाला शेयर 7 रुपए पे इशू हुआ है तो 3 रुपए डिस्काउंट है। ठीक है, लेकिन ये जरूरी नहीं है, ऊपर वापस है जहां रजिस्टर्ड प्राइस आपने वर्ड पढ़ा, पाकिस्तान में नॉर्मल सर्कमस्टांसेस 10 रुपीज वाले हैं। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन में लिखा हो कि 100 रुपीज नॉमिनल वैल्यू है, तो ये भी हो सकता है, हमें नहीं पता, तो नॉर्मल क्या है सिचुएशन, 10 रुपए ही नॉमिनल वैल्यू होगी।
लेकिन अगर बताए तो नॉमिनल वैल्यू डिफरेंट भी हो सकती है। फॉर एग्जाम्पल अगर 100 रुपीज नॉमिनल वैल्यू है तो देन अगर 100 से ज्यादा पेशू होगा फिर प्रीमियम होगा, 100 से कम पेशू होगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि प्रीमियम पेशू हो रहा है या डिस्काउंट पे। सबसे पहले हम क्या ढूंढेंगे, नॉमिनल वैल्यू क्या है, और नॉमिनल वैल्यू को देख के डिसाइड करेंगे। अगर नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा पेशू किया है तो प्रीमियम पेशू किया है, कम पेशू किया है तो फिर डिस्काउंट। क्लियर? तो आमतौर पर अगर हमें नहीं पता तो वट विल बी द नॉमिनल वैल्यू, 10 रुपीज, लेकिन अगर क्वेश्चन में डिफरेंट बताया हो तो वो भी हो सकता है। ठीक है, एक शेयर 50 रुपए का हो और एक शेयर 10 रुपए का हो, एक बंदे ने 5 शेयर खरीद लिया 50 रुपए का और एक बंदे ने एक, सर कैसे करें, ये कमाल हो गया है। अगर एक शेयर 50 रुपए का तो सबके लिए 50 रुपए का, दो कंपनी के पास सर, दो कंपनियां तो वो अलग अलग बहस है। एक कंपनी हो सकता है 2 रुपए का शेयर हो, एक कंपनी का हो सकता है 2000 रुपए का शेयर हो, तो प्रॉफिट क्यों सेम मिलेगा, वो अलग बहस है। उनके अलग प्रॉफिट होंगे, उसके कंपनी के अलग होंगे, तो जिसकी प्रॉफिटेबिलिटी जितनी है अकॉर्डिंगली डिसाइड होगा। अभी ठहर ठहर, अगर मार्केट वैल्यू 50 है या 100 है तो वो सबके लिए है किसी एक कंपनी की, और अगर किसी दूसरी कंपनी के बना तो बाकी, तो वो फिर प्रॉफिट्स होंगे तो डिविडेंड्स की बहस होगी। अब जिस कंपनी के शेयर्स की मार्केट वैल्यू ज्यादा है उसकी वजह क्या होगी, लोगों की यही एक्सपेक्टेशन होगी इसके प्रॉफिट ज्यादा होंगे। हाँ, ये एक अलग इशू है कि हो सकता है सरकमस्टांसेस ऐसे हो रहे हैं जिसकी वजह से प्रॉफिट ना हो सके, तो ऐसा ऐसा इंशाल्लाह मेरा ख्याल बेहतर है जी। चलिए, अब 3 एंट्रीज आपने जरा करवानी है मुझे इन 3 सिनेरियोज में। फर्स्ट सिनेरियो पढ़े जरा, क्या हेडिंग लिखी हुई थी उसके एक एग्जांपल देखें नीचे। लेट्स अज्यूम, फुल कंसिडरेट करना जरा, 1 लाख शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच इशूड एट रुपीज 10 ईच। ये बार बार दो दफा 10 क्यों लिखा है, 10 रुपए नॉमिनल वाली वाला, 10 रुपए मार्केट प्राइस पे इशू हुआ। अब मेरी तरफ जरा देख के, आपने कंपनी के एंगल से अगर 1 लाख शेयर्स इशू हो जाए 10 रुपए के हिसाब से, मार्केट वैल्यू के हिसाब से अगर शेयर इशू हो जाए तो डबल एंट्री बताने की कोशिश करनी है। कंपनी के एंगल से शेयर होल्डर नहीं, कंपनी को कितने पैसे मिलेंगे पहले पैसे डिसाइड कर लेना। 1 लाख शेयर्स हैं और 10 रुपए का एक शेयर इशू होना, 10 लाख रुपए मिलने का, तो कंपनी के एंगल से कैश या बैंक डेबिट हो जाएगा। हाँ जी, और शेयर कैपिटल क्रेडिट, तो कैपिटल की जगह बस क्या वर्ड हो जाएगा, शेयर कैपिटल। आपके पास एंट्रीज लिखी तो हुई है, लेकिन जब मैं एंट्री लिख लूंगा तो अपने साथ ही जगह आपके पास है राइट साइड पे, अपने हाथ से भी जरा लिखनी है कि फर्स्ट सिनेरियो के साथ जब मैं एंट्रीज कंप्लीट कर लूँ कर लिया करूंगा तो साथ अपने भी अपने हाथ से जरा नोट करनी है। ये मैं किस कॉन्टेक्स्ट में एंट्रीज कर रहा हूँ, कंपनी या शेयर होल्डर? शेयर होल्डर के लिए वैसे ये क्या चीज है, शेयर होल्डर क्या खरीद रहा है? नहीं, वैसे वो क्या खरीद रहा है, वो शेयर खरीद रहा है, शेयर उसके लिए एसेट है, उसे क्या मिलना है शेयर के बदले, डिविडेंड्स मिलेंगे, प्रॉफिट्स में से हिस्से मिलेंगे, तो शेयर होल्डर के लिए शेयर जो है एक एसेट के तौर पे हो, लेकिन जो कंपनी है उसके लिए पैसे ओनर से आ रहे हैं इसलिए शेयर कैपिटल क्रेडिट होता है। व्हाट इज द डिफरेंस इन दिस एंट्री एंड दोज एंट्रीज जो पहले पढ़ते रहे कैपिटल की, सवाय कैपिटल के साथ शेयर कैपिटल वर्ड आ गया, मेरा ख्याल और कुछ नहीं है। क्या ख्याल है, ओनर अगर बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करता था तो आप क्या एंट्री करते हैं, तो कैपिटल के साथ लेकिन क्या वर्ड आ गया, शेयर कैपिटल, कंपनीज के एंगल से ही आएगा। अब जरा अपने ज़हन में स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाया था, बनती है? सबसे पहले क्या उसमें आता है, जान दे यार, एसेट्स ही आते हैं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, यार कौन से एसेट्स पहले आते हैं, नॉन करंट के बाद क्या आएंगे, तो एसेट्स की इस वक्त बहस नहीं हो रही, इक्विटी में आ जाए। इक्विटी में पहले हेडिंग क्या आती है, कैपिटल की जगह शेयर कैपिटल वर्ड हो जाएगा, उसके बाद क्या हेडिंग आती है, ना करो यार खुदा का नाम लो यार बेटा, बड़े हो गए यार, पूरे 2 हफ्ते जाया कर दिए, फिर रिटेन्ड अर्निंग्स वर्ड आएंगे और फिर रिवेल्यूशन सरप्लस आएगा, फिर इक्विटी पूरी हो जाएगी, उसके बाद फिर नॉन करंट लायबिलिटीज आएंगे। तो 3 कंपोनेंट्स तो आपका पहले ही पता है यार, कौन कौन से 3 पता है, कैपिटल, कैपिटल था पहले वर्ड, रिटेन्ड अर्निंग्स, रिवेल्यूशन सरप्लस, लेकिन कैपिटल के साथ अब क्या वर्ड आ गया, शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग्स, रिवेल्यूशन सरप्लस, उसका फिर टोटल हो जाएगा, देन उसके बाद वही नॉन करंट लायबिलिटीज, तो कैपिटल की जगह क्या वर्ड हो गया, शेयर कैपिटल हो गया। एनी कंफ्यूजन?
जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स आप लोगों में पहली एंट्री समझ आ गई। जी सेकंड सिनेरियो पर इश्यू ऑफ शेयर्स एट अ प्रीमियम, प्रीमियम सिचुएशन कब होती है, किससे ज्यादा किससे ज्यादा किससे ज्यादा, नहीं मार्केट वैल्यू से ज्यादा नहीं बढ़ती। देखिए मार्केट वैल्यू से ज्यादा कौन लेगा, आप बताएं, आप हमेशा चीज किस पे खरीदेंगे, किस प्राइस, और मार्केट प्राइस से एक पैसा भी ज्यादा नहीं देंगे। हाँ अगर वो मार्केट प्राइस रजिस्टर्ड प्राइस से ज्यादा, तो देन डिफरेंस इज कॉल्ड एज शेयर प्रीमियम, प्रीमियम या शेयर प्रीमियम। फिर जो एग्जांपल देखो, लेट्स सी मान लिया शेयर रुपीज 10 ईच है, इशूड एट 27 ईच, कितनी नॉमिनल वैल्यू वाला कितने का इशू हुआ, ₹10 नॉमिनल वैल्यू वाला 27 पे अगर इशू हुआ है तो व्हाट इज द प्रीमियम पर शेयर, 17 रुपीज प्रीमियम पर शेयर। अब कैलकुलेटर जरा जरूरत पड़ेगी, कैलकुलेटर पकड़ने में ऐसे जुबानी ना करेगा गलत करते। अब कितने शेयर्स हैं, 1 लाख, एक शेयर कितने पे इशू होना है, ₹27 पे, तो 1 लाख को जरा 27 से मल्टीप्लाई करें, क्या आंसर आया, 27 लाख बन गए। कंपनी के एंगल से सोचना शुरू करें, कितने पैसे कंपनी को मिलेंगे, 27 लाख कैश या बैंक डेबिट, 27 लाख रुपए से, नहीं एक मिनट ठहर, 27 लाख समझ आ गए, कंपनी को अब 27 लाख मार्केट वैल्यू के इक्विवेलेंट पैसे मिलेंगे। देन जरा कैंडली बोर्ड पे देखा, जरा कुछ मैंने आपको लीगल रिक्वायरमेंट साथ साथ बताने कंपनीज के एंगल से। तो कंपनीज एक्ट की रिक्वायरमेंट ये है कि शेयर कैपिटल हमेशा नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर से ही क्रेडिट होना है, ताकि शेयर होल्डर्स को जरा अलग अलग प्रेजेंटेशन दिखाई जा सके। लेकिन डेफिनेटली एंट्री बैलेंस नहीं होगी, किस तरफ डिफरेंस आ रहा है, किस अमाउंट में क्रेडिट अमाउंट्स में डिफरेंस कितना आ रहा है, 17 लाख। तो शेयर होल्डर्स को प्रीमियम के जो अमाउंट है वो सेपरेटली फ्रॉम शेयर कैपिटल प्रेजेंट करके दिखानी है। शेयर कैपिटल ने हमेशा किस अमाउंट से क्रेडिट होना है, नॉमिनल अमाउंट। 10 लाख कैसे निकाला मैंने, 1 लाख × 10, और डिफरेंस प्रीमियम बैलेंसिंग फिगर के तौर पे आ रहा है। ठीक है, तो ये बस कंपनीज के एंगल से लीगल रिक्वायरमेंट है। देयरफॉर बोर्ड पे देखते रहिएगा, अब अपने ज़हन में जरा इक्विटी लाएं, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन एसेट्स इक्विटी में आ गया मैं। मेरी सेंट्री के बाद शेयर कैपिटल के सामने 1 मिलियन नजर आएगा, लेकिन इमीडिएटली आफ्टर शेयर कैपिटल एक और हेड अपीयर हो जाएगा शेयर प्रीमियम के नाम से। असल में 27 लाख ही कैपिटल है, सॉरी 27 लाख, टोटल 27 लाख ही कैपिटल है, सिर्फ ब्रेक करके उसको प्रेजेंट करना है। अब 10 लाख प्लस 17 लाख 27 लाख ही बनता है, लेकिन राधा देन किसको शेयर कैपिटल के सामने लिखा जाए, शेयर होल्डर्स को ये अलग अलग बताना है कि नॉमिनल वैल्यू कितनी बनती है, और अबव नॉमिनल वैल्यू अगर है तो शेयर प्रीमियम की अमाउंट कितनी बनती है। यहाँ तक ठीक है, और इसके बाद फिर वही चीजें एज इट इज आएंगी, रिटेन्ड अर्निंग्स आएंगी और रिवेल्यूशन सरप्लस आएगा। इन अदर वर्ड्स, मेरी सब बात के बाद अब आपको इक्विटी के 4 हेड्स पता चल गए। नंबर 1 शेयर कैपिटल, नंबर 2 शेयर प्रीमियम, रिटेन्ड अर्निंग्स और रिवेल्यूशन सरप्लस। क्या जरूरी है कि हमेशा शेयर प्रीमियम आए, जरूरी नहीं है, लेकिन कब हो भी सकता है, अगर नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा पे शेयर इशू हुए हों तो आपको शेयर कैपिटल के बाद शेयर प्रीमियम का भी हेड नजर आ रहा होगा। समझ आ गया, आप लोग इस तरह करें, पहले एंट्री लिख लें साथ, जो दूसरी एंट्री लिखी हुई अपने यहाँ से पहले एंट्री लिख लें, फिर ये जो मैंने प्रेजेंटेशन आपको दिखाई है ये प्रेजेंटेशन भी आपने नोट करनी, फिर मैं बताता हूँ किसी का नोट करनी ना करें, प्लीज ना करें, आपस में कंसंट्रेट करें। अब पेज के नीचे जगह है, अगर एक एंट्री जहां लिखने के बाद एरो बना के नीचे चल जाए, पेज नंबर 59 जहां है
उसके नीचे स्पेस है, उसके नीचे जरा प्रेजेंटेशन लिखा है, प्रेजेंटेशन इनिक्विटी। शेयर प्रीमियम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में कहां नजर आता है? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में कहीं नजर नहीं आता, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में कहीं नजर नहीं आता। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में कहां नजर आता है? इक्विटी में कहां नजर आता है? शेयर कैपिटल के बाद। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में कहीं नजर नहीं आता, ये कैपिटल है, इक्विटी में ही नजर आएगा, प्रेजेंटेशन बस अलग अलग होगी। ठीक है जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज क्लियर। बड़ा बस करो यार, मैं तो कुछ नहीं रहा, मैं ही शायद डिस्टर्ब कर रहा हूँ। आंटी दोनों उठ के जरा लेते आ जाए, नहीं कर आप कुछ नहीं रहे, मैं ही वैसे तंग कर रहा हूँ। तो कैंडी आगे आगे आ रहा है, माजरत आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, आप भी कैंडी प्लीज। मैं जी क्लियर है जी, प्लीज यहाँ तक जी। थर्ड सिनेरियो रह गया जी, कौन सा? इश्यू ऑफ शेयर्स एट अ डिस्काउंट। ये डिस्काउंट सिचुएशन क्या होती है जी? नॉमिनल वैल्यू से अगर शेयर्स कम पे बिक जाए तो एक सिनेरियो देख लें। लेट्स अज्यूम 1 लाख शेयर्स है ऑफ रुपीज 10 ईच है, इशूड एट 7 ईच। अच्छा ये तीनों सिनेरियो लेते लेते हैं आपस में लिंक, मींस फॉर एग्जांपल 1 लाख शेयर 10 रुपए के इशू हुए, 1 लाख शेयर 27 रुपए के इशू हुए, और लेट्स नेम 1 लाख शेयर 7 रुपीज के अगर इशू हुए, तो पहले हम लेते लेते एंट्रीज जरा डिस्कस कर लें। अब बताएं जी 1 लाख शेयर है 7 रुपए पे इशू कर रहे हैं आप, कितने पैसे आएंगे, कितने पैसे एज ए कंपनी आपको मिलेंगे? तो एंट्री शुरू करें जी, कैश है बैंक डेबिट बाय कितने से, कितने से 7 लाख से। इवन इन दिस केस लीगल रिक्वायरमेंट इज के शेयर कैपिटल अलहदा प्रेजेंट होना है और नॉमिनल वैल्यू पे ही प्रेजेंट होना है। 1 लाख इंटू 10 करके आया ये, इट मींस चाहे शेयर्स पार वैल्यू पे इशू हो, अबव पे इशू हो, बिलो पे इशू हो, शेयर कैपिटल ने हमेशा नॉमिनल वैल्यू पे ही क्रेडिट होना है। लेकिन डेफिनेटली मेरी एंट्री बैलेंस नहीं है, डिफरेंस बताएं किस तरफ लिखूं। अब ये जो 3 लाख डेबिट फिगर है, इसका तो पहले तो नाम सुन लें, इसका नाम है डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स या डिस्काउंट ऑन शेयर्स। अब इस डिस्काउंट ऑन शेयर्स का होना फिर क्या है वो मैं एक्सप्लेन करता हूं, पहले आप जरा एंट्री लिख लो। चाहे शेयर्स नॉमिनल वैल्यू पे इशू हो, अबव नॉमिनल वैल्यू या बिलो नॉमिनल वैल्यू, शेयर कैपिटल ने हमेशा किस अमाउंट से क्रेडिट होना है? नॉमिनल वैल्यू ऑफ शेयर्स हमने क्वेश्चन में ढूंढा करनी है, उसके मुताबिक इस केस में मैंने क्या किया, 1 लाख शेयर्स मल्टीप्लाइड बाय 10 इज इक्वल टू 1 मिलियन से क्रेडिट किया है। तो एंट्री का डिफरेंस जो है वो डेबिट अमाउंट्स में इसलिए आ गया क्योंकि पैसे कम आए हैं। तो प्रीमियम कब आया करेगा, जब कैश ज्यादा है, ऐसे ही किससे ज्यादा, और डिस्काउंट कब आएगी, जब नॉमिनल वैल्यू से कैश कम मिला होगा। अब इसकी प्रेजेंटेशन, ये जो डिस्काउंट है, इस डिस्काउंट ने कहाँ नजर आना है? नहीं एक सेकंड, वो तो नीचे लिखा हुआ, तो पता ही नहीं आपको, मैं वैसे पहले आपसे खुद नीचे लगा वो, अभी हमें क्वेश्चन करेंगे फिर उसको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा। यहाँ शायद हमें थोड़ी सी रिवेल्युएशन जरा अगर जहन में आ जाए तो हमें हेल्प हो सकती है। अगर इस इशू से पहले, इस डिस्काउंट पे शेयर इशू करने से पहले वो कंपनी के पास प्रीमियम का बैलेंस पड़ा है, तो याद है कि सरप्लस पड़ा लॉस आ गया, तो फिर क्या होता है लॉस का, फिर सरप्लस एडजस्ट होता है, ठीक है। और अगर बैलेंसिंग वगैरह बच जाए तो वो फिर उसका अलग ट्रीटमेंट होता है, प्रॉफिट लॉस में हो जाता है। तो ये जो डिस्काउंट है, अगर तो शेयर प्रीमियम पड़ा है,
हो सकता है कभी पहले शेयर इशू किए थे और उस वक्त मार्केट वैल्यू ज्यादा थी नॉमिनल वैल्यू से, तो शेयर प्रीमियम का बैलेंस पड़ा था। तो अगर तो शेयर प्रीमियम का बैलेंस पड़ा था और डिस्काउंट आई है, तो अब इस डिस्काउंट ने उस शेयर प्रीमियम के बैलेंस से नेट ऑफ हो जाना, एडजस्ट हो जाना। प्रीमियम का बैलेंस इस एडजस्टमेंट के बाद कम हो जाए और हो सकता है कि जीरो ही हो जाए। लेकिन अगर प्रीमियम है ही नहीं और डिस्काउंट आ जाए तो देन क्या होना है, जरा एक सेकंड बोर्ड पे देखिएगा। इक्विटी देन में लाए, इक्विटी आ जाती है देन में, सबसे पहले क्या लिखेंगे, शेयर कैपिटल। अकॉर्डिंग टू दिस थर्ड एंट्री, शेयर कैपिटल के सामने कितना लिखेंगे, 1 मिलियन। अब अगर तो प्रीमियम का बैलेंस था तो डिस्काउंट उससे नेट ऑफ होकर आ जाएगी। लेकिन मैं आपकी सिनेरियो में बात कर रहा हूँ, सपोज प्रीमियम नहीं था, तो अगर प्रीमियम नहीं था तो सिंपली क्या होना, जिस तरह शेयर प्रीमियम इसके नीचे आया था, डिस्काउंट भी इसके नीचे ही आनी, लेकिन 3 लाख की फिगर अब पॉजिटिव आने की बजाय नेगेटिव हो जाएगी। क्या देखा जाए अगर इस एंट्री को तो 7 लाख ही वैसे कैपिटल है, थर्ड एंट्री गौर से देखो, कैपिटल 7 लाख ही है, बस प्रेजेंट अलग अलग करना, तो नेट करके 7 लाख ही रह जाएगा। लेकिन नेट करके 7 लाख नहीं लिखना, शेयर कैपिटल के सामने नॉमिनल वैल्यू, और शेयर होल्डर्स को दिखाना है कि 3 लाख डिस्काउंट पे शेयर इशू हुए हैं। मसलन फॉर एग्जांपल जरा बोर्ड पे देखें, अगर मैं बस ये इस तरह लिखूं तो अलग अलग क्या क्या नहीं पता चलेगा कि नॉमिनल वैल्यू कितनी है और डिस्काउंट कितनी है। हो सकता है नॉमिनल वैल्यू 12 लाख हो, डिस्काउंट 5 लाख हो सकता है 15 लाख हो, डिस्काउंट 8 लाख हो। तो अलग दिखाने का मकसद सिर्फ क्या है कि पता चल जाए नॉमिनल वैल्यू क्या थी और डिस्काउंट क्या, या डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स का क्या होगा या क्या होगा, या तो प्रीमियम से एडजस्ट हो जाएगा, और अगर प्रीमियम नहीं है या कम है तो बैलेंसिंग फिगर जो बच जाएगी वो एक नेगेटिव फिगर के तौर पे इक्विटी का पार्ट बन जाएगी। ठीक है, इसकी प्रेजेंटेशन लिखना जरा, जो इसके नीचे भी लाइन लिखी है वो मेरे साथ पढ़िएगा जो लिखा हुआ, और उसको शायद हम अभी सारा अंडरस्टैंड ना कर सकें, पहले ये बना लें फिर मैं समझाता हूँ वो क्या लिखा हुआ, जितना भी हो सकता है, फिर बाकी वरना क्वेश्चन करेंगे। बन जाएगी नीचे रहेगा थोड़ी सी, इसके साथ भी लेफ्ट साइड पे अगर कोशिश करें। जी यहाँ तक नोट कर ली, आप पूरा पेज एक नजर रिवाइज कर लें, यहाँ तक इसके नीचे भी 2 हेडिंग्स है वो मैं अभी पढ़ता हूँ खुद आपके साथ। तो वो फिर बैलेंसिंग फिगर ऐसे आ जाएगा, फॉर एग्जांपल अगर 2 लाख का प्रीमियम पड़ा होता तो पहले 2 लाख के डिस्काउंट उस 2 लाख से नेट ऑफ हो जाती, 1 लाख नेगेटिव आ जाता। अगर डिस्काउंट बच गई है तो इट विल बी अ नेगेटिव फिगर इन इक्विटी। ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स आपको तो नहीं कोई क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, बात समझ आ गई प्लीज, जीरो क्यों?
वो ब्रैकेट से बना देंगे, फॉर एग्जांपल 3 लाख माइनस 3 लाख आगे जीरो आ जाए, तो वो इंशाल्लाह कर लेंगे, वो इशू नहीं है। ये थर्ड पहले हो गया, थर्ड एंट्री के नीचे एक सेंटेंस लिखा हुआ, जरा पढ़ेंगे मेरे साथ। डिस्काउंट ऑन इशू शेयर इज एडजस्टेड फ्रॉम शेयर प्रीमियम, ठीक है, बट इफ इट इज नॉट अवेलेबल देन। अभी एक कुछ कॉलम्स का यहाँ जिक्र है, वो अभी हमने एक स्टेटमेंट बनानी सीखनी है, उसमें कुछ कॉलम्स है। मेरे साथ पढ़े, मैं एक सेंटेंस को थोड़ा सा भी अभी तक जो समझ आ सकता है वो सिंगल से पढ़ता हूँ। देन शेयर डिस्काउंट इज अ नेगेटिव फिगर इन द इक्विटी, ऐसे ही है, लेकिन वो क्योंकि अभी एक स्टेटमेंट हमने बनानी है, उस स्टेटमेंट में कुछ कॉलम होंगे, तो अगर वैसे कोई कॉलम जहन मिलाए, शेयर प्रीमियम का एक कॉलम जहन मिला, अगर शेयर प्रीमियम पड़ा तो फिर तो उस कॉलम में से लेस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल 3 लाख है और पूरा ही 3 लाख अगर है तो लेस हो जाएगा और जीरो हो जाएगा, लेकिन अगर शेयर प्रीमियम है ही नहीं तो उसकी जगह फिर एक अलग कॉलम बना लेंगे, किस नाम से, शेयर डिस्काउंट के नाम से, और उसमें फिर एक नेगेटिव फिगर आ जाएगा। तो फिलहाल वो कॉलम क्योंकि अभी हमें आइडिया नहीं है, उसकी वजह सिंपली ये है कि आप अपनी नीचे प्रेजेंटेशन देखें, तो मैंने अभी बनाई थी, डिस्काउंट या तो शेयर प्रीमियम से एडजस्ट हो जाएगी या इक्विटी में एक नेगेटिव फिगर हो, फिर इस नेगेटिव फिगर को प्रेजेंट कैसे करना वो यहाँ लिखा होगा, तो वो इंशाल्लाह फिर अभी क्वेश्चन करते हैं, एक आध दिन में तो वहां तक पहुंच जाएंगे। ठीक है जी, चलिए एक लास्ट लाइन है भी इसमें, इस पेज पे एक वर्ड टर्म लिखी हुई है, राइट शेयर्स, इसी पेज पे हुई है, पेज 59 के एंड पे क्या वर्ड्स लिखे हुए लास्ट में, राइट शेयर्स, कौन सा पड़ेगा कि क्या लिखा, शेयर्स इश्यू टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इन प्रपोर्शन टू एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर्स अगेंस्ट कंसिडरेशन का मीनिंग होता है मुआवजा, और आम हालात में शेयर्स का मुआवजा होता है कैश, कौन शेयर्स के बदले किससे मुआवजा लेता है, कंपनी शेयर्स के बदले शेयर होल्डर से कैश की शक्ल में मुआवजा लेती है, लेकिन सम टाइम्स शेयर्स जो हैं वो कैश के अलावा किसी एसेट के अगेंस्ट भी इशू किए जा सकते हैं। मसलन फॉर एग्जांपल किसी पर्सन ने कहा कि मैं शेयर्स के अगेंस्ट अपनी बिल्डिंग दे सकता हूँ, अब जरा एंट्री करें, जरा क्या करेंगे हम, एंट्री कैश की जगह बिल्डिंग डेबिट और शेयर कैपिटल उसी तरह क्रेडिट, बिल्डिंग की मार्केट वैल्यू लगाएंगे, अगर वो मार्केट वैल्यू नॉमिनल वैल्यू ज्यादा हुई तो उसी तरह प्रीमियम भी हो सकता है और डिस्काउंट भी हो सकती है। किसी ने कहा कि मेरे से मशीनरी ले लें तो कैश की तरह मशीनरी भी हो सकती है, लेकिन आम तौर पे नॉर्मल सिचुएशन में कंसिडरेशन का मतलब कैश ही होता है। सेंटेंस अब दोबारा पढ़े मेरे साथ, कहते हैं शेयर इश्यू टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स इन प्रपोर्शन टू, प्रपोर्शन का मतलब है परसेंटेज, इन परसेंटेज टू एग्जिस्टिंग नंबर ऑफ शेयर अगेंस्ट कंसिडरेशन। अब गौर से मेरी बात सुनिए, एक एग्जांपल देखें बोर्ड का, लेट्स सेम किसी कंपनी में 4 शेयर होल्डर्स हैं, सपोज ए बी सी डी उनके नाम है, ए के पास 1000 शेयर्स थे, बी के पास 2000 शेयर्स थे, सपोज 3000 थे सी के पास, और डी के पास 4000 शेयर्स हैं, इसका सम मैंने करना है तो आप बता दें, अगर 10,000 बनता है वैसे, तो फॉर एग्जांपल एक कंपनी में 4 शेयर होल्डर्स हैं और कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए हैं, जिसका एक ब्रेकअप मैंने शेयर होल्डर वाइज आपको बताया। अगर कोई कंपनी फर्स्ट टाइम शेयर्स इशू करे, फर्स्ट टाइम कोई नई कंपनी बनी है और शेयर्स इशू करे, तो उस वक्त कोई एग्जिस्टिंग शेयर नहीं होल्डर नहीं होगा, कंपनी नई बनी है, फर्स्ट टाइम शेयर्स इशू कर रही है, फर्स्ट टाइम शेयर इशू करते हुए कोई एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर नहीं होगा, तो जो फर्स्ट टाइम कंपनी शेयर इशू करती है उसे राइट शेयर्स नहीं बोलते, लेकिन फर्स्ट टाइम के बाद अगर कभी भी कंपनी शेयर इशू करेगी तो लॉ की ये रिक्वायरमेंट है कि सबसे पहले एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को वो शेयर्स ऑफर करने हैं, फर्स्ट इशुएंस के बाद अगर फ्यूचर में कभी भी शेयर इशू करने हैं कंपनी ने, तो लॉ की रिक्वायरमेंट ये है कि कंपनी ने सबसे पहले वो शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर करने हैं,
उसी परसेंटेज में ऑफर करने हैं जिस परसेंटेज में उनके पास पहले शेयर्स हैं। हाँ, अगर वो इंटरेस्टेड ना हो तो फिर कंपनी अपने शेयर्स जनरल पब्लिक को भी ऑफर कर सकती है। फर्स्ट इश्यू ऑफ शेयर्स के बाद हमेशा जब भी शेयर्स इशू किए जाएंगे तो ये किसका राइट है कि पहले उसको ऑफर किया जाए? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स का ये राइट है कि उसे शेयर्स ऑफर किए जाए। किस परसेंटेज में इशू किए जाए? जिस परसेंटेज में उनके पास पहले शेयर्स हैं। मैंने बिल्कुल सिंपल से फिगर्स लिखने की कोशिश की थी। अगर ए के पास 1000 शेयर्स हैं और टोटल 10,000 शेयर्स हैं तो ए के पास फिर 10% शेयर्स हैं, बी के पास 20% है, 30% है एंड 40% है टोटल शेयर्स का। अब फॉर एग्जांपल अगर इस कंपनी ने 1000 फर्दर शेयर्स इशू करने हैं तो सबसे पहले इसने ये शेयर्स किसको ऑफर करने हैं? ए बी सी डी को, नहीं नहीं ए को नहीं, ए को नहीं, ए बी सी डी को, सबको, सब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को। किस रेशियो में? जिस रेशियो में इनके पास पहले शेयर्स हैं। इन अदर वर्ड्स, इस 1000 में से 100 शेयर्स किसको ऑफर होंगे, 200 किसको होंगे? ये कैसे बनाया 100 मैंने? 1000 का 10%, 1000 का 20%, 30% और 40%। तो ये जो फर्स्ट टाइम शेयर्स इशू होने के बाद फर्दर शेयर्स इशू हो रहे हैं इसको क्या लिखा जाएगा? ये है राइट शेयर्स। व्हाट इज द मीनिंग राइट शेयर्स? एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स ज्यादा राइट कि उन्हें वो शेयर्स मिले। हाँ, अगर फॉर एग्जांपल वो नहीं लेंगे तो वो एक अलग इंशाल्लाह बहस हो जाएगी, वो इंशाल्लाह फर्दर पर बाद में डिस्कस कर लेंगे कि उस केस में फिर अगर ये एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर शेयर्स नहीं लेंगे तो क्या होना है। राइट शेयर्स का अगर कभी टर्म यूज हो जाए तो आपको क्या पता चलना चाहिए? अब सेंटेंस मेरे साथ दोबारा पढ़ना। नहीं नहीं कब क्या पता चलना चाहिए, अब सेंटेंस हम दोबारा पढ़ते हैं। शेयर्स इशू टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स, ये जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स पर शेयर इशू हो रहे हैं इसका मतलब फिर ये है कि फर्स्ट टाइम इश्यूएंस ऑफ शेयर इज नॉट कॉल्ड एज राइट शेयर्स, लेकिन आफ्टर फर्स्ट टाइम इशू ऑफ शेयर, सेकंड टाइम हो, थर्ड टाइम हो, फिफ्थ ईयर टाइम हो एंड सो ऑन, फर्स्ट इशू के बाद अगर कोई भी शेयर इशू हो रहा है तो उसे फिर राइट शेयर इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को उसी प्रपोर्शन में, उसी परसेंटेज में मिलने होते हैं जिस प्रपोर्शन से पहले उनके पास शेयर्स मौजूद हैं। ठीक है, तो राइट शेयर्स में भी शेयर्स इशू हो रहे हैं, सिर्फ ये सिचुएशन है जिसमें एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स इशू किए जाते हैं। इसकी डबल एंट्री में कोई मसला नहीं है, कंपनी को कैश मिलना है, शेयर्स के अगेंस्ट मिलना है, क्या एंट्री होगी? अगर नॉमिनल वैल्यू के इक्वल प्राइस पे इशू है तो कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट हो जाएगा, अगर नॉमिनल वैल्यू से ज्यादा पे इशू है तो कैश डेबिट शेयर कैपिटल के साथ साथ प्रीमियम भी क्रेडिट हो जाएगा, और अगर डिस्काउंट पे इशू है तो कैश डेबिट शेयर कैपिटल के साथ साथ डिस्काउंट भी आ जाएगा। एंट्रीज वही है लेकिन राइट शेयर सिचुएशन उसको कहते हैं जिसमें शेयर्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ऑफर किए जाते हैं। विच डेफिनेटली मीन्स फर्स्ट टाइम इश्यूएंस ऑफ शेयर इज नॉट कॉल्ड एज राइट शेयर्स, सेकंड टाइम या सब्सिक्वेंट टाइम अगर शेयर्स इशू किए जाएंगे तो फिर राइट शेयर्स कहलाते हैं, विच मीन्स शेयर्स आर इशू टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स अगेंस्ट कंसिडरेशन, मीन्स कैश के अगेंस्ट या किसी और एसेट के अगेंस्ट शेयर इशू किए जाए। ठीक है, एक आखिरी सेंटेंस का पढ़ना, एंट्रीज वही है जो ऊपर डिस्कस हो गई है। राइट शेयर अगर कभी वर्ड बोला जाए तो आप जरा अपने लफ्जों में बताएं आपको क्या समझ आएगा, किसने किसको क्या किया है? कंपनी ने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को उनकी परसेंटेज के मुताबिक, एग्जिस्टिंग परसेंटेज के मुताबिक फर्दर शेयर्स ऑफर कर दी और उसकी एंट्री में कोई देर नहीं है। एंट्रीज वही हैं जो आपको अल्हम्दुलिल्लाह पता चल गई हैं। शेयर्स नॉमिनल वैल्यू के इक्वल भी इशू किए जा सकते हैं, उससे ज्यादा पे भी किए जा सकते हैं और उसको कम पे भी किए जा सकते हैं। आप पूरा फर्स्ट पेज देख लें, कोई अब जरा कन्फ्यूजन रह गई है, और अगर इसको भी अगर नोट करना चाहें तो पेज नंबर 58 शायद खाली है, 59 से पीछे, उसके साथ एक हेडिंग बना के लिख रहे हैं राइट शेयर्स। लॉ यही है लेकिन अगर बाकी ना लें तो फिर ए कह सकता मुझे ऑर्डर है, ऑफर इन्हीं को होंगे, इसी परसेंटेज में होंगे, लेकिन अगर कोई खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं है फिर उनकी जगह पहले अगर इनमें से कोई लेना चाहता है वो ले लें, और अगर इनमें कोई भी इंटरेस्टेड नहीं है तो वो फिर जनरल पब्लिक को भी ऑफर किए जा सकते हैं। जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर हो गए?
ये वैसे छुट्टियां कब खत्म होनी है यार? आपकी किसी से बात हुई हो? ये शुरू भी अपनी मर्जी से होती हैं और एंड अल्लाह करे हो जाए। वैसे आज तो वैसे मुझे पूरी उम्मीद थी कि कुछ ना कुछ आ जाएंगे, लेकिन लगता है इन ट्रांजिट पड़ रहे हैं। ये अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए। क्वेटा से भाई आ गए लेकिन लाहौर वाले नहीं पहुंच पा रहे। जी कल दिन 11 बजे से मैं हाँ, इतना टाइम लग गया होगा बाई ट्रेन, इतना तो लग ही जाता होगा बाई ट्रेन। बाई ट्रेन ट्रेन पे या बस? ट्रेन से स्टे करती होगी है? स्टे करते आती होगी। बहरहाल सर जी, पढ़ाई अब सीरियस मोड में चली गई है, आज से शुरू हो गई है। कोई आए या ना आए, हम अज्यूम करेंगे कि वो जहां भी है पढ़ रहा है, वो चाहे क्लास में है या घर है, इन ट्रांजिट है। इट इज अज्यूम्ड कि वो जहां भी है पढ़ रहा है, ठीक है ना जी सर? नेक्स्ट पेज पर। ये पेज नंबर 60 करें स्टार्ट। यहाँ ना इससे पहले कि हम एक नई स्टेटमेंट स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी बनाए, पहले मेरा ख्याल है कुछ पुरानी चीजें सही तरह और रिवाइज करना है। दो फॉर्मेट्स बने हुए, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का, और नीचे जाके जब देखेंगे तो स्टेटमेंट ऑफ कम्प्रिहेंसिव इनकम का। तो आज जरा स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में मेन मेन हेडिंग्स अक्सर बोलते तो हैं, लेकिन एक दफा दोबारा देख लेना। तो फिगर अज्यूम हुई नहीं, वैसे एक फॉर्मेट सा बना हुआ। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन का स्टार्टिंग पॉइंट, एसेट्स, एसेट्स में नॉन करेंट एसेट्स में सबसे पहले प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट लिखा हुआ। अब जरा आइए 16 दिन में ना, जरा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट सिर्फ हेडिंग यहाँ है, बाकी इसकी जितनी डिटेल है वो फिर नोट्स में होगी। नोट्स में स्केड्यूल याद आ जाएगा, स्केड्यूल में कितने कॉलम होते हैं, जितने एसेट्स की क्लासेस होती हैं, और अगर एक से ज्यादा हो तो टोटल भी होता है। तो फॉर एग्जाम्पल एसेट्स की क्लासेस 2 दिन बोल रहे हैं, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इक्विपमेंट वगैरह वगैरह, व्हीकल्स एक्सेट्रा। तो वो डिटेल जो है नोट्स में है, और उसमें से जो कैरिंग अमाउंट होगी फाइनल वो यहाँ पे आती है। उसके बाद अभी इंटेंजिबल एसेट्स आपके सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन एक हेडिंग के तौर पे जहन में रखें, और एग्जाम्पल के तौर पे सॉफ्टवेयर का जरा आइडिया होना चाहिए। सॉफ्टवेयर वर्ड सुना कभी? सॉफ्टवेयर एसेट है। अगर आपकी कोई मशीनरी है जो सॉफ्टवेयर पे डिपेंडेंट है तो सॉफ्टवेयर एसेट है, लेकिन इंटेंजिबल एसेट है। तो बाकी इसकी डिटेल की अभी जरूरत नहीं है, बस एक नाम लिखना था। ये भी नॉन करंट एसेट होता है, 1 साल से ज्यादा इनकी लाइफ होती है। डिफरेंस सिर्फ यही है कि इनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, तो इन्हें अलग एक हेडिंग बनाया जाता है आफ्टर प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। नेक्स्ट लिखा हुआ इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट्स क्या चीज है? कंपनी ने इन्वेस्टमेंट की हुई है, कंपनी में इन्वेस्टमेंट हुई है? कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट हुई है तो वो कैपिटल है, कंपनी ने अगर की हुई तो फिर कंपनी का एसेट है। मसलन इस कंपनी ने अगर किसी और कंपनी के शेयर्स खरीदे हुए या कहीं बैंक में पैसे जमा करवाए हुए, और अगर ये नॉन करंट में लिखा हुआ है तो इसका मतलब भी ये 1 साल से ज्यादा अरसे के लिए करवाया हो। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स भी हो सकती हैं और शॉर्ट टर्म। लॉन्ग टर्म कौन सी होंगी और शॉर्ट टर्म? तो अगर ये इन्वेस्टमेंट्स की हेडिंग नॉन करंट एसेट्स में है तो ब्रैकेट में लिखना ये फिर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगी, 1 साल से ज्यादा ऑब्वियसली होगी, वो लंबे अरसे की इन्वेस्टमेंट है। अगर यही इन्वेस्टमेंट हेडिंग करंट एसेट्स में होती तो फिर ये शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट बोलना चाहिए था इसे, फिर वो लेस देन 1 ईयर तक की होती। देन फिर उसके बाद करंट एसेट्स में अब पूरी सारी हेडिंग्स नहीं है सर, तो जनरल एक आइडिया देने के लिए आपको। करंट एसेट्स में सबसे पहले इन्वेंट्रीज किसे कहते हैं? स्टॉक्स, स्टॉक्स, फिर ट्रेड एंड अदर रिसीवेबल्स, डेटर्स, प्री पेमेंट्स वगैरह,
नीचे लिखा हुआ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स का मतलब कैश इन हैंड हो सकता है, कैश एट बैंक हो सकता है, ठीक है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स लिखा जरा, कैश एंड बैंक, कैश एंड बैंक बैलेंसेस अगर होंगे आपके, ये एसेट है, एसेट है सर, करंट है, ये नॉर्मली करंट एसेट्स में होता है। अच्छा, करंट एसेट्स का एक सीक्वेंस थोड़ा सा जेहन में रखना चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट होता स्टॉक और एंडिंग पॉइंट कैश, बीच में अगर डेटर्स या प्री पेमेंट्स ऊपर नीचे होने वो इशू नहीं है, लेकिन स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट्स है, अगर आप पीआरसी से मिलाए मेरे, सबसे पहले स्टॉक ही लिखते होंगे और कैश पेंड करते हैं, बीच में प्री पेमेंट्स भी आ सकती हैं, एडवांसेस हो सकते हैं, उन वो तो सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन नॉर्मली लिखने का तरीका है कि करंट एसेट्स में सबसे पहले स्टॉक है और एंड में फिर कैश और बैंक बैलेंसेस है, देन उसके बाद हेडिंग आ गई इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, एंड इक्विटी की हेडिंग में अब बड़े पढ़े क्या लिखा है, शेयर कैपिटल है, शेयर प्रीमियम हो सकता है, अगर शेयर डिस्काउंट होता वो फिर नेगेटिव फिगर होती, तो पॉजिटिव जगह नेगेटिव फिगर होती, रिटेन्ड अर्निंग्स लिखा हुआ, रिटेन्ड अर्निंग्स का ही एक और नाम लिखा हुआ, वैसे रिटेन्ड अर्निंग्स कैसे कहते हैं, सिंपल रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग्स यार, वो प्रॉफिट्स जो बिजनेस में पड़े, नहीं यार, रिटेन्ड अर्निंग्स उसी को ब्रैकेट पड़े जरा, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, वो प्रॉफिट्स इकट्ठे हुए हैं, जमा हो गए हैं प्रॉफिट्स, उसी का एक नाम है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, कभी अगर यूज हो तो आइडिया होना चाहिए। हाँ, एक और हेड होना चाहिए जो यहाँ लिखा नहीं हुआ, बताएंगे कौन सा, रिवेल्यूशन सरप्लस। तो ये चार कंपोनेंट्स इसका, इस वक्त आपको इक्विटी के पता है, आप बोल दें कौन कौन सा है, शेयर कैपिटल है, शेयर प्रीमियम है, रिटेन्ड अर्निंग्स है, रिवेल्यूशन सरप्लस है। फिर आ जाए नॉन करंट लायबिलिटीज में, लॉन्ग टर्म बोरिंग लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब, लॉन्ग टर्म बोरिंग लोन है, लॉन्ग टर्म का मतलब मोर देन 1 ईयर का है, करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड एंड अदर पेबल्स मीन्स क्रेडिटर्स है, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स बैंक ओवर ड्राफ्ट, ये बैंक ओवर ड्राफ्ट इज ऑलवेज अ करंट लाइबिलिटी क्योंकि ये नेक्स्ट 12 मंथ्स में पैसे देने होते हैं, बैंक ओवर ड्राफ्ट वर्ड सुना होगा आपने, ये हमेशा करंट लाइबिलिटीज में होता है, ये शॉर्ट टर्म लोन होता है। देन एक वर्ड लिखा हुआ है करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन का मतलब होता है लॉन्ग टर्म लोन के वो पैसे जो नेक्स्ट 12 मंथ्स में देने हैं, नहीं ये भी क्लियर रखें जरा, एक्सचेंज बोर्ड पर देखें जरा, फॉर एग्जाम्पल आपने 50 लाख का लोन लिया है, 50 मिलियन, सॉरी 50 मिलियन चले करना, 50 मिलियन का एक लोन लिया आपने, इसमें से आपने 10 मिलियन नेक्स्ट 12 मंथ्स में पे करना है और बाकी 40 मिलियन आफ्टर 12 मंथ्स पे करना है, कितना लोन है 50, 50 में से 10 मिलियन आपने नेक्स्ट 12 मंथ्स के अंदर पे करना है। देखें, जो पे कर दिया है वो लाइबिलिटी नहीं है, जो लोन वापस कर दिया वो लाइबिलिटी नहीं है, लाइबिलिटी कौन सा है, जो वापस करना है, तो सपोज 50 लाख पेएबल है, 50 मिलियन सॉरी, 50 मिलियन सपोज पेएबल है, उसमें से नेक्स्ट 12 मंथ्स में 10 मिलियन पेएबल है और बाकी 40 मिलियन नेक्स्ट 12 मंथ्स के बाद पेएबल है, टोटल लाइबिलिटी कितनी है 50 मिलियन। स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में बताएं 50 मिलियन कैसे लिखेंगे, इकट्ठा नहीं लिखेंगे, इकट्ठा नहीं लिखेंगे, वो पैसे जो नेक्स्ट 12 मंथ्स में देने हैं उसे करंट लाइबिलिटीज में लिखेंगे एज अ करंट पोर्शन ऑफ लोन, करंट पोर्शन ऑफ लोन का मतलब वो पैसे जो नेक्स्ट 12 मंथ्स में देने हैं, करंट लाइबिलिटी से बना करंट पोर्शन, तो करंट पोर्शन ऑफ लोन कहा आएगा करंट लाइबिलिटी सीएल, करंट लाइबिलिटीज में, और जो नेक्स्ट 12 मंथ्स के बाद पैसे देने हैं वो नॉन करंट लाइबिलिटीज में एज अ लॉन्ग टर्म लोन के नाम से पैसे आएंगे, एनसीएल मीन्स नॉन करंट लाइबिलिटीज। तो 50 मिलियन इकट्ठा क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कुछ इसमें नेक्स्ट 12 मंथ्स में देना है जो शॉर्ट टर्म के तौर पे आना चाहिए और जो आफ्टर 12 मंथ्स देना है वो फिर नॉन करंट के नाम से अलग प्रेजेंट होना चाहिए। तो व्हाट इज द मीनिंग करंट पोर्शन ऑफ लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन के वो पैसे जो नेक्स्ट 12 मंथ्स में देने वो फिर करंट लाइबिलिटीज में आने चाहिए। एक एग्जाम्पल नोट कर लें जरा छोटी सी, ये पेज के नीचे भी जगह है, साथ में लिखना है, वहां लिखो टोटल लोन पेबल 50 मिलियन और उसका एक ब्रेकअप कर लो, जो पैसे देने हैं वो लाइब्रेरी है या जो दे दी है, जो दे दी है वो तो लाइब्रेरी खत्म होगी, जो देने हैं उनमें से जो नेक्स्ट 12 मंथ्स में देने हैं वो करंट लाइबिलिटीज है, वो करंट लाइबिलिटी है,
और जो आफ्टर 12 मंथ्स देने वो नॉन करंट एफडी। ओके जी प्लीज नेक्स्ट लिखा हुआ है करंट टैक्स पेबल। ये करंट टैक्स पेबल क्या होता है ये भी मैंने नेक्स्ट पेज पे इसकी एंट्रीज डिस्कस करनी है टैक्स के हवाले से, तो मैं अभी आगे नेक्स्ट पेज पर जाकर डिस्कस करता हूँ फिर आपको वापस बताता हूँ। तो इस करंट टैक्स पेबल को एक सेकंड छोड़ दो और तो नहीं कोई मसला इसके अलावा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस जरा रिवाइज कर लें, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम कहाँ से शुरू होती है, पेज के नीचे एंड पे पहुंच गया हूँ, पेज नंबर 60 कहाँ से शुरू करते हैं सर, सेल्स रेवेन्यू, सेल्स लिखना ब्रैकेट में रेवेन्यू सेल्स, सेल्स के बाद क्या आता है, अच्छा ये समराइज फॉर्म में बनी हुई है, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेफिनेटली कैसे कैलकुलेट होती है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस कैरेज माइनस क्लोजिंग इफ एनी, उसकी वर्किंग्स नहीं लिखी हुई, कॉस्ट ऑफ सेल लेस करके फिर क्या जाता है ग्रॉस प्रॉफिट के बाद क्या ऐड होता है, अदर इनकम के बाद क्या लेस होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट एडमिन कॉस्ट अदर एक्सपेंसेस अगर है, फाइनेंस कॉस्ट ना कभी लफ्ज, फाइनेंस कॉस्ट मीन्स फाइनेंशियल चार्जेस, कोई एग्जाम्पल बताएं इसकी, लोन, लोन नहीं लोन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन लोन लिखें ब्रैकेट में, इंटरेस्ट ऑन लोन है या बैंक चार्जेस, वर्ड सुना कभी सर जी कुछ सुना कभी से, बैंक चार्जेस इंटरेस्ट ऑन लोन दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ फाइनेंस कॉस्ट, फाइनेंस कॉस्ट फाइनेंशियल चार्जेस एक्सपेंसिव। नेक्स्ट पेज पे आ जाए जरा, या एक सेकंड इसी पेज पे कर रहे हैं सॉरी, ये बुक इसका खोल लेगा दोनों पेज सामने, अगर टैक्स इन्वॉल्व नहीं है बिजनेस ने प्रॉफिट्स पे टैक्स नहीं देना फिर तो फाइनेंस कॉस्ट के बाद नेट प्रॉफिट लिख देंगे आप, लेकिन अगर कंपनीज ने अपने प्रॉफिट पे टैक्स देना जो देना होता है तो फिर अब फाइनेंस कॉस्ट लेस करके ग्रॉस प्रॉफिट प्लस अदर इनकम और एक्सपेंसेस माइनस करके जो फिगर आएगी उसे फिर प्रॉफिट बिफोर टैक्स बोलेंगे। नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा और फिर उसमें से टैक्स लेस करके प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आए, बाकी भी मैं टैक्स की एंट्रीज पे डिस्कस करता हूँ। अगर टैक्स नहीं है तो फाइनेंस कॉस्ट लेस करके जो प्रॉफिट आएगा उसे क्या कहेंगे, नेट प्रॉफिट, और अगर टैक्स इन्वॉल्व है तो टैक्स से पहले जो प्रॉफिट आएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स होगा और टैक्स के बाद फिर जो प्रॉफिट आएगा वो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा। अब आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर बने, लेट्स अस्यूम आप किसी कंपनी के शेयर होल्डर हैं, आप बताएं आपको किस प्रॉफिट में से डिविडेंड मिलने चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट में से, प्रॉफिट बिफोर टैक्स में से या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से। ये जो ओनर होता है उसको सारे खर्चों के बाद जो प्रॉफिट्स बचते हैं उसमें से अपना हिस्सा मिलता है, तो टैक्स भी कंपनी का एक एक्सपेंस है जो कंपनी ने गवर्नमेंट को देना है, तो फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से डिविडेंड मिलेगा। इन अदर वर्ड्स अपने ज़हन में जरा रिटेन्ड अर्निंग्स का लेजर बनाने की कोशिश करें जरा। अब ये जो हमने पिछले दिनों में डिस्कशन की उसका मकसद ये है कि आगे लिंक होनी है, ये चीजें रिटेन्ड अर्निंग्स के कॉलम में ब्रॉड डाउन हो सकता है, किस साइड पे, क्रेडिट साइड पे ब्रॉड डाउन, फिर उसमें ऐड होता है प्रॉफिट, लेकिन अगर टैक्स इन्वॉल्व होगा तो कौन सा प्रॉफिट, आफ्टर टैक्स, और फिर डेफिनेटली डिविडेंड लेस होगा, फिर ट्रांसफर ऑफ सरप्लस की फिगर एंट्री बोले, ट्रांसफर ऑफ सरप्लस की सरप्लस डेबिट रिटेन्ड अर्निंग्स क्रेडिट ये ऐड होगी, क्रेडिट रिटेन्ड अर्निंग्स में क्रेडिट होगी, सरप्लस में से लेस होगी। तो ओपनिंग बैलेंस सुन ले तरतीब से, ओपनिंग बैलेंस प्लस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स माइनस डिविडेंड, और प्लस होगा या माइनस ट्रांसफर ऑफ सरप्लस, प्लस ट्रांसफर ऑफ सरप्लस, फिर हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस आएगा। एक दोबारा रिपीट करें जरा क्या बोला मैं, प्लस प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, अगर टैक्स इन्वॉल्व है तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आएगा, माइनस डिविडेंड प्लस ट्रांसफर ऑफ सरप्लस इज इक्वल टू क्लोजिंग बैलेंस।
ठीक है, और अब ऑब्वियसली अगर टैक्स इन्वॉल्व नहीं है तो जो नेट प्रॉफिट है वो ही फिर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी। लेकिन जरा नेक्स्ट पेज पे जरा थोड़ा सा टैक्सेशन का आइडिया होना चाहिए कहीं ना कहीं। वैसे तो ये टैक्सेशन अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से FA2 में है, लेकिन मेरा ख्याल है आप लोग में से बहुत सारे लोग टैक्स साथ पढ़ रहे होंगे कहीं FA1 के साथ, तो प्रॉफिट्स पे टैक्स, लेकिन खैर आप और एंगल से पढ़ रहे हैं। मैं कंपनी के एंगल से थोड़ी सी टैक्सेशन की डिस्कशन करने लगा। पेज नंबर 61 पे एक हेडिंग लिखी हुई है, टैक्सेशन मिल गई, टैक्स ऑन प्रॉफिट्स ऑफ द करंट पीरियड। होता असल में इसका है कि जब भी कोई अकाउंटिंग पीरियड कंप्लीट हो जाता है, कोई भी अकाउंटिंग पीरियड अगर कंप्लीट हो गया और प्रॉफिट आ गया, तो फिर गवर्नमेंट ने अपने रेट्स डिफाइन किए हुए, रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए, तो उन प्रॉफिट्स पे फिर रेट लगा के टैक्स कैलकुलेट हो जाता है। तो ये काम क्योंकि हर साल होता है, तो जिस साल में आप ये वर्किंग कर रहे होंगे उस साल के प्रॉफिट्स पे जब आप रेट लगाएंगे तो उस साल का करंट टैक्स आ जाएगा। करंट का मतलब उस साल का, लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम 2016 में है तो 2016 का जो टैक्स होगा वो 2016 का करंट टैक्स होगा। अगर आप 2017 में है तो उस साल वाला उस साल का करंट टैक्स होगा। 2022 में तो जिस साल में आप हैं उस साल के प्रॉफिट्स को अगर आप टैक्स रेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस साल का करंट टैक्स आ जाता है। करंट टैक्स का सिंपली मतलब करंट पीरियड का टैक्स। करंट पीरियड मीन्स जिस साल में आप मौजूद थे। सेंटेंस से पढ़ा पड़े, टैक्स ऑन प्रॉफिट्स ऑफ द करंट पीरियड इज कॉल्ड एज करंट टैक्स, इज इट एन एक्सपेंस ऑफ द बिजनेस। क्या ख्याल है, कंपनी अपनी समझेगा कंपनी के लिए क्या ये एक्सपेंस है। तो जस्ट लाइक एनी अदर एक्सपेंस ये भी कंपनी का टैक्स एक्सपेंस है। अब टैक्स एक्सपेंस की एंट्री बताए आपने जहन लड़ाया जरा, जस्ट लाइक एनी अदर एक्सपेंस क्या एंट्री करनी चाहिए, एक्सपेंस डेबिट होगा। अगर तो कैश उसी दिन चला गया तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, और अगर कैश उस दिन बाहर जाना है तो पहले पेएबल बन जाएगा। तो नॉर्मली ये एक्रुअल बेसिस पे एंट्रीज होती हैं, जिस दिन टैक्स ड्यू होता है उसी दिन पे नहीं होता, इसके लिए फिर लॉ में टाइम पीरियड दिया हुआ, तो बाद में पेमेंट होती है इसकी सितंबर दिसंबर वगैरह में। तो मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो फिर आप जब जरूरत पड़ेगी लॉ में पढ़ लेंगे। तो व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ करंट टैक्स, करंट टैक्स एक्सपेंस डेबिट और इनिशियली एक्रुअल बेसिस पे, नहीं हमेशा आपने पहले इनिशियली से एक्रुअल बेसिस पे ध्यान रखना, करंट टैक्स पेएबल क्रेडिट। लेकिन इसने नेक्स्ट 12 मंथ्स के अंदर अंदर वैसे पे हो जाना होता है। ये करंट टैक्स पेएबल जो है करंट लायबिलिटी होती है। ये जो मैंने डेबिट किया करंट टैक्स एक्सपेंस, ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में प्रॉफिट बिफोर टैक्स के बाद लेस हो जाएगा। और जो इसका सेकंड इफेक्ट मैं करंट टैक्स पेएबल के नाम से क्रिएट कर रहा हूँ, ये करंट लायबिलिटी के तौर पे आपकी स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में आ जाएगा। जरा पिछले पेज पे जाए, जरा पेज नंबर 60 पे एक मैंने हेडिंग छोड़ी थी, कौन सी हेडिंग छोड़ी थी मैंने, तो करंट टैक्स पेएबल करंट लायबिलिटीज में क्यों लिखा हुआ, क्योंकि इट इज अ लीगल रिक्वायरमेंट कि इसने नेक्स्ट 12 मंथ्स में पे हो जाना होता है। मसला फॉर एग्जांपल अगर 2016 का टैक्स है 30 जून 2016, तो मैक्सिमम इसने 30 जून 2017 के अंदर अंदर ही टाइम पीरियड इसका लॉ में दिया हुआ है, उसमें पे हो जाना। तो करंट टैक्स पेएबल इज ऑलवेज अ करंट लायबिलिटी, डेबिट इफेक्ट प्रॉफिट लॉस में चला जाएगा एक्सपेंस के तौर पर, और सेकेंड इफेक्ट लायबिलिटीज में चला जाएगा। कौन सी लायबिलिटीज में, करंट लायबिलिटीज में। ये एंट्री आप किस दिन करेंगे, जब आपका एक्सपेंस ड्यू हो जाएगा। लेकिन फिर जब आप पेमेंट करेंगे टैक्स की पेमेंट करेंगे तो फिर एंट्री क्या करेंगे, करंट टैक्स पेएबल डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट। तो जस्ट लाइक एनी अदर एक्सपेंस टैक्स भी अक्रूअल बेसिस पे बिजनेस में रिकॉर्ड हो जाएगा। आपके पास नीचे एंट्रीज लिखी भी हुई है, अगर आपने नोट नहीं भी करनी है तो ठीक है, लेकिन एटलीस्ट उनकी ब्रैकेट्स अंडरलाइन करना। अक्रू जब करेंगे एक्सपेंस को तो एंट्री क्या करेंगे, जरा ढूंढने जरा एंट्रीज इधर ही नेक्स्ट पेज नंबर 61 पे, पेज 61 पे जब अक्रू करेंगे तो एक्सपेंस डेबिट और पेएबल क्रेडिट, और जब पे करेंगे तो लायबिलिटी खत्म हो जाएगी बाय पेइंग द कैश। देख लें कोई कंफ्यूजन रहेगी मेरी बात में, एक्सपेंस नजर किस जगह आएगा आपको, नहीं मतलब किस जगह प्रॉफिट एंड लॉस में किस जगह, फाइनेंशियल चार्जेस लेस होके प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ जाएगा, उसके बाद फिर टैक्स की हेडिंग नजर आएगी। पेज नंबर 61 के स्टार्ट पे बना हुआ, पेज नंबर 61 के बिल्कुल स्टार्ट पर प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया, उसके नीचे फिर ये टैक्स एक्सपेंस, ये जो टैक्स वर्ड लिखा हुआ ना, ये सब में टैक्सेशन जहाँ लिखा हुआ ये वही करंट टैक्स एक्सपेंस लिखा हुआ। बाकी फिर इसकी कैलकुलेशन कैसे होनी है वो आपको क्वेश्चन में अगर रिक्वायरमेंट होगी तो टैक्स रेट दिया होगा, प्रॉफिट से फिर आप टैक्स रेट मल्टीप्लाई करके
अकॉर्डिंगली टैक्स की अमाउंट कैलकुलेट करना है, तो वो इतना कोई इशू नहीं है, इसलिए मैंने इस वक्त बात नहीं की। इंशाल्लाह जब प्रोसेस करेंगे तो कैलकुलेशन भी कर लेंगे। एक्सपेंस की एंट्री क्या करेंगे, बस ये ध्यान में रखना है, एक्सपेंस डेबिट पेएबल क्रेडिट पेरोल बेसिस पे करेंगे, और फिर जब पेमेंट हो रही होगी तो पेएबल डेबिट और कैश। जी क्लियर है जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स। तो समझ आ रही ना प्लीज। देन सर दो एंट्रीज बस और कर लें, बाकी फिर इंशाल्लाह कल करते हैं। एक डिविडेंड की जरा डिस्कशन कंप्लीट कर रहे हैं। पेज 61 पे हेडिंग मिल गई है ऊपर, जहां डिविडेंड लिखा हुआ है, जहां ये दो एंट्रीज कंप्लीट हुई है। जी डिविडेंड क्या चीज है सर? नहीं आगे पढ़ के, आगे पढ़ के, आगे पढ़ के। बिजनेस के प्रॉफिट्स को शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देना डिविडेंड कहलाता है। बिजनेस में प्रॉफिट हुआ, उस प्रॉफिट में से शेयर होल्डर्स को उनका हिस्सा दे दिया, वो जो हिस्सा दे रहे हैं आप वो क्या कहलाता है? डिविडेंड कहलाता है। इस डिविडेंड की मैंने आपको एक जमाने में ड्राइंग्स के साथ लिंक करके एक एंट्री बताई थी। ड्राइंग्स की एंट्री बताया, और यार ड्राइंग्स की एंट्री बता रहे हैं यार, ड्राइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट, आपने ये सुना होगा। मैंने आपको जमाने में ये कहा था कि वर्ड ऑफ ड्रॉइंग्स इज रिप्लेस बाय द वर्ड ऑफ डिविडेंड इन केस ऑफ कंपनी। कौन सा वर्ड किसके साथ बदल गया, किस जगह में? ड्रॉइंग्स का वर्ड डिविडेंड के साथ बदल जाएगा कंपनी के केस में। इट मींस अगर डिविडेंड की हम एंट्री सोचे तो ड्रॉइंग्स की जगह डिविडेंड डेबिट और कैश या बैंक क्रेडिट। अगर ओनर्स को बाय कैश पेमेंट हुई है तो कैश क्रेडिट, लेट मी कंप्लीट, और अगर बाय चेक उन्हें पेमेंट हुई है तो बैंक क्रेडिट। ठीक है, व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ डिविडेंड? डिविडेंड डेबिट कैश या बैंक क्रेडिट। अब सिर्फ इसमें फर्क ये है कि ओनर अगर है किसी सोल प्रोप्राइटर में, सोल प्रोप्राइटरशिप में एक इंडिविजुअल ओनर है, उसका तो जिस दिन दिल करेगा कंपनी को चला भी खुद ही रहा होता है, जिस दिन दिल करेगा पैसे उठाए घर ले गया। लेकिन कंपनी जो है ये शेयर होल्डर्स सारे आके नहीं चला रहे होते, इन शेयर होल्डर्स ने क्या किया, अपने बिहाफ पे कुछ लोगों को डायरेक्टर्स के नाम से अपॉइंट कर दिया है जो इनके बिहाफ पे आप कंपनी चला रहे हैं। तो डेफिनेटली कंपनी में अगर पैसे पड़े होंगे तो है तो शेयर होल्डर्स के लिए, लेकिन अब शेयर होल्डर्स को ये राइट नहीं कि जो शेयर होल्डर आए उठा के ले जाए, वो तो आपस में लड़ पड़ेंगे, जिसका ज्यादा बड़ा हाथ जाएगा जो बड़ी बोरी ले आएगा, इस तरह वो लड़ाई हो जाएगी। इसलिए जरा फॉर्मेलिटी बीच में इन्वॉल्व हो जाती है, जरा फॉर्मल वे में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। होता यह है कि पहले प्रॉफिट देख लिया जाता है कि कितना प्रॉफिट है और अकॉर्डिंगली कितना डिविडेंड दिया जा सकता है, ऐसे ही होना चाहिए। तो डिविडेंड जो है दो स्टेप्स में रिकॉर्ड होता है कंपनीज में। सबसे पहले डायरेक्टर्स प्रॉफिट को बेस, प्रॉफिट को देख के प्रॉफिट की बेस पे ये डिसीजन लेते हैं कि हमने डिविडेंड डिक्लेयर करना भी है या नहीं। अब फॉर एग्जांपल लॉस हो गया तो लॉस है तो फिर डिविडेंड देना भी नहीं। तो सबसे पहले डायरेक्टर्स ये डिसीजन लेते हैं कि क्या डिविडेंड डिक्लेयर करना है या नहीं। डिक्लेयर का मतलब अनाउंस करना है या नहीं, देना है या नहीं। तो अगर फॉर एग्जाम्पल डायरेक्टर्स ये डिसीजन ले लें कि हाँ हमने डिविडेंड देना है, मीन्स डिक्लेयर कर दें, तो उसी दिन फिर डिविडेंड की पेमेंट नहीं होती। लॉ में फिर वो 30 डेज भी हैं, कहीं 45 डेज भी हैं, कहीं 10 डेज वगैरह भी हैं, डिफरेंट कंपनीज के केस में। डिक्लेयर करने के फिर कुछ दिन बाद ये पेमेंट होती है। डिविडेंड की एंट्री यही है जो मैंने लिखी है, डिविडेंड डेबिट कैश क्रेडिट। लेकिन डिविडेंड डिक्लेयर किसी और दिन होता है और पे किसी और दिन होता है, देयरफॉर ये एंट्री दो स्टेप्स में रिकॉर्ड होती है।
अगर जिस दिन डिक्लेयर हुआ है उसी दिन पे हो जाता हो तो व्हाट शुड बी द डबल एंट्री, डिविडेंड डेबिट कैश क्रेडिट। लेकिन नॉर्मल सिचुएशन ये नहीं है, नॉर्मल सिचुएशन ये है कि डायरेक्टर्स पहले डिविडेंड को डिक्लेयर, मींस डिक्लेयर मैंने बार बार वर्ड बोलना आपने सुनना, क्या मतलब होगा, अनाउंस कर देंगे। अनाउंस कर देंगे मींस कह देंगे हाँ जी डिविडेंड मिलना है, तो उसको कहते हैं डिविडेंड डिक्लेयर हो गया। लेकिन उसी दिन मिलता नहीं है, सब्सिक्वेंटली 10-15 दिन 20 दिन बाद फिर वो रजिस्टर्ड एड्रेसेस पे चेक्स वगैरह भेजे जाते हैं, उस पर टाइम लग जाता है। तो जिस दिन पे डिविडेंड डिक्लेयर होगा ये डिविडेंड कंपनी की लायबिलिटी बन जाए, अक्रूअल बेसिस पे फिर हम एंट्री कर लेंगे। जिस दिन डिक्लेयर होगा उस दिन पहले डबल एंट्री होगी, डिविडेंड डेबिट और डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। डिविडेंड डेबिट पेएबल क्रेडिट ये एंट्री किस दिन हो जाएगी, जिस दिन डिविडेंड डिक्लेयर हो जाएगा मींस अनाउंस होता है। लेकिन फिर जिस दिन डिविडेंड पे करेंगे उस दिन की एंट्री होनी चाहिए, डिविडेंड पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट। अगर डिक्लेरेशन डेट, पहले 2 मिनट और हजम कर लेते हैं चीज आपके लिए, अगर डिविडेंड की डिक्लेरेशन डेट और पेमेंट डेट सेम हो तो डिविडेंड की एंट्री है डिविडेंड डेबिट कैश क्रेडिट। लेकिन क्योंकि ये सेम डेट्स नहीं होती हैं तो डिक्लेरेशन वाले दिन आपके जहन में आना चाहिए कि अब इस दिन लाइबिलिटी बन जानी है। जब डिविडेंड डिक्लेयर हो जाता है तो कंपनी की अब ये लाइबिलिटी है कि डिविडेंड दिया जाए। डिविडेंड डिक्लेयर करने के बाद डायरेक्टर्स ये नहीं कह सकते नहीं जी हमने डिविडेंड देना, फिर अगर वो नहीं देंगे उन पर पेनल्टी भी है, फाइनेंशियल पेनल्टी भी है और इवन इम्प्रिजमेंट वगैरह भी है, ये लॉ कंपनी लॉ जब आप पढ़ेंगे। हाँ ये वो जरूर हो सकता है कि डायरेक्टर्स ये डिसीजन लें कि इस साल डिविडेंड नहीं देना, प्रॉफिट होने के बावजूद वो डिसीजन ले सकते हैं कि फॉर एग्जाम्पल प्रॉफिट हो गया लेकिन हम डिविडेंड इसलिए नहीं दे रहे ताकि यही पैसे बिजनेस की एक्सपेंशन में यूज हो। हर साल डिविडेंड देना कंपल्सरी नहीं है, लॉस है फिर तो शायद वैसी बहस खत्म हो जाएगी, लेकिन अगर प्रॉफिट भी है इवन देन डायरेक्टर्स शेयर होल्डर्स के साथ मिलजुल के ये डिसीजन ले सकते हैं कि इस साल डिविडेंड नहीं देना, इस साल ये प्रॉफिट्स रख लेंगे ताकि बिजनेस की एक्सपेंशन में यूज हो जाए। तो डिविडेंड डिक्लेयर करना हर साल कंपलसरी नहीं है, लेकिन अगर एक दफा डिक्लेयर हो जाए तो फिर वो देना कंपलसरी हो जाता है, मींस लायबिलिटी बन गया। और वो फिर लायबिलिटी कब तक रहेगी, जब डिविडेंड जब तक पे नहीं हो जाएगा। क्या जिस दिन प्रॉफिट हो जाएगा डिविडेंड देना लायबिलिटी बन जाएगा, हरगिज नहीं। हम पहली एंट्री किस दिन करेंगे, जब डिविडेंड डिक्लेयर होगा और डिक्लेयर होने के बाद फिर लायबिलिटी सेटल। आपके पास ये दोनों एंट्रीज लिखी हुई है जो मैंने की हैं, मैंने आपके सामने असल में की इस तरह से है कि डिविडेंड डेबिट कैश क्रेडिट ही एंट्री होनी थी, लेकिन पेमेंट डेट और डिक्लेरेशन डेट में क्योंकि डिफरेंस होता है इसलिए डिक्लेरेशन डेट पे पेएबल बन जाएगा और पेमेंट डेट पे फिर वो पेएबल खत्म हो जाएगा। आपके पास दोनों एंट्रीज लिखी हुई है, आप उनकी ब्रैकेट से अंडरलाइन करें। पहली एंट्री कब होगी और दूसरी एंट्री कब होगी। बेहतर वैसे ये रहेगा कि राइट साइड पे जगह भी है, अगर ये दोनों एंट्रीज अपने अपने हाथ से जरा डिक्लेरेशन पेमेंट की लिख भी लें तो अच्छा, जरा और जरा बोलते हुए लिख लें जरा, शायद बहुत दफा ये अभी रिपीट होनी है। व्हाट इज द एंट्री व्हेन द डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड, बोले बोले शर्मिंदा शर्माया ना करें, डिविडेंड डेबिट डिविडेंड पेएबल क्रेडिट। डिविडेंड किस दिन डेबिट होता है, जिस दिन डिक्लेयर होता है या जब दिल करे डेबिट हो जाता है। आप एज एन अकाउंटेंट किस दिन का वेट करेंगे डिविडेंड को डेबिट करने के लिए, जिस दिन डिक्लेयर होगा, और अगर उसी दिन पे हो रहा होगा तो आप कैश क्रेडिट कर देंगे, लेकिन अगर उस दिन नहीं पे हो रहा होगा तो फिर डबल एंट्री पूरी करेंगे पेएबल क्रेडिट करके, और फिर जिस दिन पेएबल पे हो जाएगा तो फिर पेएबल डेबिट होके कैश क्रेडिट। नहीं समझ आ गया कि ये बीच में पेएबल वर्ड क्यों आ गए, कौन कौन सी डेट्स डिफरेंट होने की वजह से आए हैं, डिक्लेरेशन डेट्स और पेमेंट डेट्स कंपनी में सेम नहीं होती, इनमें कुछ दिनों का गैप होता है डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी कौन सी है, प्राइवेट है पब्लिक है, तो वो इंशाल्लाह जब आप पढ़ेंगे आपका आइडिया हो जाएगा। तो इसलिए फिर बीच में पेएबल का वर्ड आ जाएगा जब तक पेमेंट नहीं होगी डिक्लेरेशन के बाद। एक जरा आखिरी काम सबसे इंपॉर्टेंट और से सुने जरा, ये एंट्रीज जरा जेन में सामने रखें जरा, अब इन एंट्रीज के इफेक्ट्स कहाँ कहाँ जाएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में वो जरा आपने मुझे बताना। डिविडेंड डेबिट होके प्रॉफिट एंड लॉस में किधर नजर आएगा,
डिविडेंड डेबिट होके प्रॉफिट एंड लॉस में कहाँ नजर आएगा? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, प्रॉफिट एंड लॉस में कहीं नहीं जाएगा। डिविडेंड डेबिट होके रिटेन्ड अर्निंग्स को कम करेगा। रिटेन्ड अर्निंग्स की कैलकुलेशन ध्यान में लाएगा। ओपनिंग रिटेन्ड अर्निंग्स में क्या जमा होता है? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। क्या प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में से डिविडेंड ऑलरेडी लेस हो गया होगा? नहीं हुआ होगा, उसमें से लेस होगा। तो डिविडेंड डेबिट होके कहाँ इफेक्ट देगा? रिटेन्ड अर्निंग्स को कम करेगा। रिटेन्ड अर्निंग्स किधर होती है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में इक्विटी में होती है। तो डिविडेंड डेबिट होकर रिटेन्ड अर्निंग्स को इक्विटी में कम करेगा। डिविडेंड पेएबल पे आ जाए, डिविडेंड पेएबल कहाँ नजर आएगा? लाइबिलिटीज में। कौन सी लाइबिलिटीज में? करंट लाइबिलिटीज में। करंट लाइबिलिटीज में इसलिए क्योंकि नेक्स्ट 12 मंथ्स में पे हो ही जाना है। नॉर्मली तो वैसे 10 डेज या 40 डेज के अंदर अंदर ये नेक्स्ट ईयर पे हो जाता है, लेकिन नेक्स्ट 12 मंथ्स के अंदर अंदर इसे पे होना है। ये लिखना है डिविडेंड पेएबल के साथ ब्रैकेट में लिखें करंट लाइबिलिटीज। यहाँ डिविडेंड पेएबल क्रेडिट हुआ, करंट लाइबिलिटीज में इसने नजर आना है। हिम्मत करें, हिम्मत करें। डिविडेंड डेबिट करके डेबिट इफेक्ट कहाँ नजर आएगा? रिटेन्ड अर्निंग्स में लेस हो जाएगा, और डिविडेंड पेएबल करंट लाइबिलिटीज में लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। बढ़ जाएगी, कम हो जाएगी? इन अदर वर्ड्स, ये पहली एंट्री दोबारा गौर से देखें। डिविडेंड डेबिट पेएबल क्रेडिट का प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट पे कोई इफेक्ट नहीं है। यह है सिर्फ कहाँ इफेक्ट है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में कहाँ कहाँ इफेक्ट है? इक्विटी में और लाइबिलिटीज में। इक्विटी में कहाँ है? रिटेन्ड अर्निंग्स में। और लाइबिलिटीज में कहाँ है? करंट लाइबिलिटीज में। फर्स्ट एंट्री हैज नो इफेक्ट ऑन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। दूसरी एंट्री में अब है पेएबल डेबिट का मीनिंग क्या है? लाइबिलिटी कम हो रही है। कैश या बैंक क्रेडिट का मतलब क्या है? एसेट कम हो रही है। वंस अगेन पेमेंट वाली एंट्री का भी प्रॉफिट एंड लॉस पे कोई इफेक्ट नहीं है। डेबिट इफेक्ट लाइबिलिटीज को कम करेगा, और क्रेडिट इफेक्ट करंट एसेट्स में से कैश या बैंक को कम करेगा। तो डिविडेंड डिक्लेयर हो या पे हो, कोई प्रॉफिट एंड लॉस पे इफेक्ट उसी तरह नहीं है जिस तरह ड्राइंग्स का नहीं। ड्राइंग्स के इफेक्ट्स बताएं कहाँ कहाँ जाएंगे। ड्राइंग्स की एंट्री बोले ड्राइंग्स डेबिट कैश क्रेडिट। अब ड्राइंग्स होंगे कहाँ? एक्सपेंसेस में, फाइनेंशियल चार्जेस में, कोई प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं। इक्विटी में, ये कैपिटल में से लेस होता था, बस वर्ड जरा बदल गए, कैपिटल की बजाय रिटेन्ड अर्निंग्स में, इक्विटी में। और कैश वहाँ सीधा चला जाता, वहाँ पेएबल का कॉन्सेप्ट नहीं था, तो कैश करंट एसेट्स में। तो यहाँ वक्ती तौर पे जो लाइबिलिटी बनी है वो करंट लाइबिलिटीज में आएगी जब तक वो सेटल नहीं हो जाएगी। तो व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ डिविडेंड डिक्लेरेशन? डिविडेंड डेबिट पेएबल क्रेडिट। एंड व्हाट इज द डबल एंट्री व्हेन द डिविडेंड इज पेड? पेएबल डेबिट एंड कैश क्रेडिट। एक सेंटेंस और लिखा हुआ है दूसरी एंट्री के बाद, एक स्टार ऊपर बना हुआ था, डिविडेंड इज रिकॉर्डेड व्हेन इट इज। ये सबसे इंपॉर्टेंट सेंटेंस बन जाना। डिविडेंड किस दिन रिकॉर्ड होता है? रिकॉर्ड का मतलब डिविडेंड किस दिन डेबिट होता है? जिस दिन वो डिक्लेयर होता है, ठीक है।